स्वागत है आप सभी बच्चों का। और आज की इस क्लास में हम लोग बिल्कुल शुरू करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स को। तो चलिए कंप्यूटर नेटवर्क्स इसकी कहानी हम लोग शुरू करते हैं। और अगर हम बात करें आप बच्चों की, तो आप जुड़ चुके हो मेरे साथ में क्लास 12th कंप्यूटर साइंस। और अगर आपके पास में इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप लोगों का सिलेबस नेटवर्किंग का वो सेम है। तो चलिए फिर कहानी को शुरू ही कर देते हैं। और कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के अंदर से आज हम जो चीज़ें करने वाले हैं वो है जी कंप्यूटर नेटवर्क की पूरी यूनिट, जिसको हम लोग बिल्कुल वन शॉट में देखने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम इसके मार्क्स की बात करें और अगर IPSES दोनों में से किसी भी क्लास की बात करें, तो ये आपके पास में 10 नंबर का है कुछ। तो अगर आपका पेपर पूरा 70 नंबर का है, तो 10 नंबर का इसके अंदर से आपको नेटवर्किंग है जो बेसिकली पूछा जाएगा। और ये पूरा का पूरा क्या होता है, थियोरेटिकली होता है। इसके अंदर से कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको प्रैक्टिकली आए ऐसा नहीं होता है। तो प्रैक्टिकल के लिए आपके पास में ये दोनों यूनिट रहती हैं। और अगर हम थ्योरी की टोटली डेडिकेट हो जाएं, तो हम नेटवर्किंग के हिस्से ये वाली चीज़ है जो डालते हैं। तो चलिए, जब मैंने आपको बताया कि भाई ये आपकी यूनिट है और इतने नंबर की है और नेटवर्किंग आज का हमारा चैप्टर है, तो ज़रा नज़र मार ली जाए आप लोगों के इस साल के सैम्पल पेपर के ऊपर भी। तो देखिए, कहानी यदि हम शुरू करते हैं हमारे सैम्पल पेपर की, जो जो बच्चे भी क्लास में जुड़ते जा रहे हैं तो सभी का स्वागत है। देखिए, प्रिमर चल रहा है, तो ऑफकोर्स चैट सेक्शन में काफ़ी बच्चे हैं जो काफ़ी सवाल पूछ रहे होंगे। तो आप अपने सवाल हैं जो नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। मैं वापस से आकर के जब इसको देखूंगी, तो मैं आपके सवालों के जवाब है जो बिल्कुल दूंगी। और पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी आपके सवाल मन में आ रहे हैं उनको यहीं पर इसी क्लास में दूर कर दें, ठीक है। और लाइव क्लास तो हमारी 9:45 पर होगी ही होगी, तो आप वहां पर भी आकर के अपनी चीज़ों को मेरे से पूछ सकते हो। अब आराम से बैठो और चीज़ों को सुनो, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपकी पूरी यूनिट है जो कंप्लीट होगी। अब बात करी जाए आपके सैम्पल पेपर की, तो देखिए, जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ें, यानी कि सैम्पल पेपर की ही बात करें, तो उसका एनालिसिस कुछ इस प्रकार से करें जैसे मैंने कुछ किया है। तब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसका एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से किया है, जिसमें से आपके अलग अलग टॉपिक्स को निकाल करके मैंने ये चीज़ आपको बताई है कि भाई नेटवर्किंग आपके पास में किस तरीके से है जो आएगा, कैसे जो 10 नंबर है वो आपको ग्रैब करने हैं। अब बात आती है कि आपको इसके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान देकर के बहुत ही डीप से चीज़ों को नहीं जानना है। क्यों? क्योंकि एक तो डीप में नेटवर्किंग आपके सिलेबस में है नहीं, दूसरी चीज़ इसमें से ये भी आती है कि आपको केस स्टडी बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, आपको फुल फॉर्म्स के अंदर से चीज़ें आएंगी। तो यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आप वाकई में सीरियस होकर के CS में कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप SQL कनेक्टिविटी पाइथन को है जो ज़्यादा ध्यान दीजिए, बजाय कि आप नेटवर्किंग के। नेटवर्किंग वन शॉट के लिए बहुत काफ़ी होगा, आप उसके बाद में इसके क्वेश्चन जो जितने लगाइए, और ज़्यादातर क्वेश्चन आप PYQ उसके लगाइए, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस आपके रिपीट ही हो जाते हैं, क्योंकि छोटू सा तो नेटवर्किंग है और 10 नंबर का ऊपर से है, तो चीज़ें बार बार अपने आप रिपीट है जो होती जाती है। अब देखिए, कहानी को जब हमने शुरू किया है, तो कहानी के अंदर जब हम नेटवर्किंग को लेकर के आए, तो देखिए आपके पास में इस साल पेपर के अकॉर्डिंग आपके पास ABCDE 5 सेक्शन है, सुपर डुपर कूल। तो देखिए, पहले सेक्शन में कुछ 1 नंबर, फिर बी सेक्शन के अंदर 4 नंबर, और एक लास्ट जो क्वेश्चन है वो आपका केस स्टडी बेस्ड है। वो क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगी खैर आने वाली क्लासेस के अंदर। तो इसकी अलग से ही क्लास है जो रहेगी हमारी CSB केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की, ठीक है, जिसमें बच्चों को ज्यादातर हम कह सकते हैं कि डाउट होता है, बट मेरे पढ़ाने के बाद में डाउट नहीं रहेगा। अच्छा जी, ठीक है, चलिए अब कहानी को थोड़ा सा थोड़ा आगे लेकर के चलते हैं और कहते हैं कि भाई अगर हम बात करें पूरी चीज़ों के बारे में, तो देखिए मैंने कहा कि आपका नेटवर्किंग कितने नंबर का आता है, आपने सुना कि मैम 10 नंबर का आता है, ठीक है। अब देखिए 10 नंबर को किस तरीके से डिवाइड किया है, 1 नंबर इसमें से क्या आ गया आपका फुल फॉर्म्स आ गए, तो 9 नंबर पीछे, फिर पीछे अगर 9 नंबर बचे तो उसमें से 5 नंबर का केस स्टडी बेस हो जाएगा। अब पीछे जो हमारा हिस्सा बचा हुआ है ये कितना हुआ, 6 और 4 मिलाकर के 10, तो 4 नंबर के लिए आज हमारी क्लास है जो यहाँ पर होने वाली है। और ऑब्वियसली बेसिकली अगर हम चीज़ें कहें कि फुल फॉर्म्स आपको आ जाएंगी और केस स्टडी बेस्ड की कहीं हद तक चीजें आपको यहां पर भी है जो पता चल जाएंगी। तो फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, प्रोटोकॉल्स हो गए, स्विचिंग टेक्निक्स हो गया, HTML वर्सेस XML हो गया, ये चीजें आपको नेटवर्किंग के इस साल के सैंपल पेपर के अंदर पूछी गई थी, क्योंकि तो हम उसको एक आधार मान के चल रहे हैं कि हमारे जो मेन पेपर आएगा उसमें से बहुत हद तक चीजें हैं जो मिलती जुलती भी होंगी, और अगर नहीं भी हुई मिलती जुलती
तो भी क्या टेंशन है, हम हैं ना आपके साथ में। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखिए ये आपका कुछ सिलेबस है जिसको हम आज की कक्षा में, आज की क्लास में बिल्कुल पूरा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारी यूनिट नंबर 2 और जिसका नाम है जी कंप्यूटर नेटवर्क्स। सो बात करते हैं आपके बारे में, तो आप क्लास 12th इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस और कंप्यूटर साइंस दोनों ही बच्चे हो जो साथ में जुड़ चुके हो, क्योंकि आप दोनों के सिलेबस में ये बिल्कुल टॉपिक है। तो चलिए टॉपिक की जहां हम शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले थोड़ी सी चीज़ें जानते हैं यहां पर। तो शुरू करने से पहले यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ जो कि आपको यहाँ पर बतानी बहुत ही ज़रूरी है, और वो ये है रिलेटेड टू आप लोगों के बिल्कुल अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो देखिए आप CBSE क्लास 11th 12th की तैयारी है जो कर रहे हैं, बोर्ड की तैयारी, बिल्कुल 11th से हमारी तैयारी है जो बिल्कुल शुरू हो जाती है, क्योंकि 11th ही है जो बेस बनती है क्लास 12th में, और 12th ही है जो बेस बनती है बिल्कुल करियर का। तो हम कहेंगे कि हमारी चीज़ें जो 11th से ही बिल्कुल स्टार्ट हो जानी चाहिए। अब देखिए आपके पास में देखिए अप टू 48% यहाँ पर डिस्काउंट, जो कि जिसके साथ में आपको जो है 3 मंथ सब्सक्रिप्शन भी है जो यहाँ पर फ्री मिल रहा है, जैसे कि 24 महीने और 3 महीने का, फिर 12 महीने और 2 महीने। तो देखिए आप इतना है जो सेव कर पा रहे होंगे और इतना है जो आप पे कर पा रहे होंगे इतने ड्यूरेशन टाइम के लिए। ठीक है, तो देखिए बच्चा अब ऐसी बात है कि अगर आप अपनी तैयारी को ना एक बहुत ही जोरों शोरों से इत्मीनान से शुरू करना चाहते हैं, जोरों शोरों से इत्मीनान से, कुछ भी आप पॉजिटिव वर्ड है जो यहाँ पर ले लीजिए। तो देखिए अगर आपको कहने का मतलब है अगर आपको प्लस क्लास का वेट, यूट्यूब क्लास का वेट रहता है, आपको स्पेशल क्लास का वेट रहता है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर प्लस क्लास का वेट भी है रहेगा, क्योंकि प्लस में तो चीजें फिर प्लस के हिसाब से हो रही होंगी ना, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आ जाएगी कि यस आप प्लस के ऊपर हो, तो दैट मींस यू आर सीरियस हियर, है ना। तो अभी आपको सिर्फ है जो पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। तो बिल्कुल अगर आप ऐसा जो है एकदम तैयारी के मूड में आ चुके हो, तो यस आप 3 मंथ के साथ में ये सब्सक्रिप्शन है जो 24, 16 जो भी है 12 मंथ है ना, ये ले सकते हो। और देखिए अब ये डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप हमारा कोड है जो यूज करोगे। ठीक है, तो हम आपको अपना कोड बता रहे हैं जिसके थ्रू आपको ये डिस्काउंट है जो आपको मिल जाएगा। बाकी देखिए आपके PCM के लिए आपका फुल सिलेबस बैच 2024 देन 2024 है ना, तो देखिए कॉमर्स वाले बैच, और फिर आप लोगों का यहाँ पर इंग्लिश के लिए भी अगर आपको पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के साथ में जाना है, तो ये चीज़ें हो गई आपकी यहाँ पर। तो आप किसी भी बैच को अगर यहाँ पर अवेल करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप हमारा कोड बेसिकली यूज़ है जो कर सकते हो, विच इज़ LA लाइव। ठीक है, तो चलिए आप तैयारी शुरू करते हैं। चलिए जब आपको पता चला कि भाई आपके और आपके जूनियर्स के जो नए नवेले बैच हैं वो ये वाले स्टार्ट हो रहे हैं, तो यस अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो देखिए बात करेंगे जब हम व्हाट इज़ नेटवर्क के बारे में। तो देखिए बात जब हम नेटवर्किंग की कर रहे हैं और जब आप मेरे साथ पढ़ना शुरू कर रहे हो, तो आपको पता है कि मैं आपको हर चीज़ बहुत ही ज़ीरो या बेसिक से लेकर के चलती हूँ, तो आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप अर्श पर है जो पहुँच चुके हो। तो ये सफ़र जो फर्श से अर्श तक का होता है, तो हम बिल्कुल फर्श से स्टार्ट करते हैं, यानी कि बिल्कुल ज़ीरो से, तो यानी कि हम चैप्टर के नाम से चैप्टर की शुरुआत है जो करते हैं। जब हम इस शब्द को पकड़ते हैं जो कि हमारा कंप्यूटर नेटवर्क, तो देखिए कंप्यूटर को अगर मैं साइड में रख दूँ और सिर्फ गर्दन पकड़ूँ किसकी, हमारे नेटवर्क, तो नेटवर्क क्या है इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। किताबी परिभाषा कहती है कि ग्रुप ऑफ टू और मोर सिमिलर थिंग्स और पीपल इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर इज कॉल्ड नेटवर्क। हम अगर आसान भाषा में भी कहें, किताबी भाषा के को भी अगर आसान बनाने की कोशिश करें, तो हम कहें कि अगर हम लोगों का भी एक जो है नेटवर्क बनाते हैं, कुछ लोग हैं जो आपस में क्या है कनेक्टेड है, तो ये क्या है उनका एक नेटवर्क है। तो मान लो कि अगर मैं अपना ही एग्जाम्पल लूँ, ठीक है, कि मेरे को कोई मेडिसिन मंगवानी है, ठीक है, अब वो मेडिसिन मेरी सिटी में नहीं मिलती है, वो कहीं दूर जा कर के किसी और सिटी में किसी एक केमिस्ट्री हॉस्पिटल के अंदर मिलती है। अब मैं क्या करूंगी, अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करूंगी, है ना, तो मैं किसी दोस्त को फोन करूंगी, उससे पूछूंगी कि तुम्हारा कोई दोस्त उस सिटी में रहता है। अब वो अपने नेटवर्क के अंदर खोजबीन करेगा, उसको एक मिलेगा दोस्त कि अच्छा वो उस सिटी के अंदर बिलोंग करता है, या उसका भी कोई और दोस्त है। तो अब देखिए लोगों का जो नेटवर्क है वो कितना ही हेल्प है जो कर रहा है, और जैसे तैसे मेरे पास में ये जो मेडिसिन कहीं और है, मुझे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, मैंने अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए किसी को बोला, किसी ने किसी को बोलते हुए वो चीज मेरे पास में आ पहुंची। तो यानी कि लोगों का यहाँ पर एक जो है नेटवर्क हो गया, है ना, तो चीजों का नेटवर्क हो गया। वैसे ही कंप्यूटर जब शब्द जुड़ जाता है तो कंप्यूटर्स का नेटवर्क इज ए कंप्यूटर नेटवर्क। तो बातों को थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाएं तो डे टू डे लाइफ में हमें काफी सारे एग्जांपल्स हैं जो नेटवर्क्स के मिलते हैं। सोशल नेटवर्क हो गया, मोबाइल नेटवर्क हो गया, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स हो गया, है ना, तो ये सारे के सारे हमारे पास में डे टू डे लाइफ के अंदर एग्जांपल्स हैं जो देखने को मिलेंगे। अगर हम आज इस पूरी दुनिया की बात भी करें, तो मैं दुनिया के अगर एक कोने में रह रही हूँ और मैं दुनिया के दूसरे कोने में कोई बंदा है, अगर मैं उससे बात कर पा रही हूँ, तो ये भी एक मतलब नेटवर्क के थ्रू ही चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं, है ना। भाई युद्ध हो रहा है कंट्री के अंदर, हम युद्ध भी है जो देख पा रहे हैं लाइव। कभी हमने सोचा था, है ना, कि जो किस्से और कहानियाँ हम युद्ध के देख सुना करते थे, तो वो अभी
हमें लाइव है जो देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें किसके थ्रू हो रही है? अगर कोई छींक भी मार रहा है बंदा इस कोने में, तो वो मुझे इस कोने में जाकर के सुनाई भी पड़ रही है, दिखाई भी पड़ रही है ना। ऐसा नहीं है कि कहने का मतलब है कि भाई वो जो अगर महाभारत की स्टोरी की बात कहें कि भाई अंतर मन में कोई ऐसी चीज है और जिससे हम देख पाते हैं, नहीं। ये चीजें टेक्निकली मतलब कितना अगर हम कहें यहाँ पर कि भाई ये सारा जो कमाल है अगर हम इसका कंक्लूजन निकालना चाहें तो नेटवर्क का है। तो कहने का मतलब है कि अगर मुझे इस दुनिया के इस कोने में किसी भी बंदे से कोई काम है और मैं इस दुनिया के इस कोने में हूँ, तो वो जो नेटवर्क है उसके सहारे हम उससे कनेक्ट है जो हो पाते हैं। तो देखिए कितना बड़ा एडवांटेज है जो मुझे यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा है, या फिर कह लो कि भाई हमें पता चल रहा है, किसी भी तरीके से आप इसको समझ लो। देखिए जो लोगों का ग्रुप हो गया भाई, लोगों का ग्रुप आपस में, तो ये भी क्या है, एक नेटवर्क ही है, एक का दूसरे से जो है लिंक। अगर मुझे यहाँ से कोई चीज़ मंगानी, इससे कोई चीज़ मंगानी है, तो बिल्कुल मैं इससे बात करूँगी, ये इससे इससे, तो लोगों का आपस में नेटवर्क हो गया। हमारी मम्मियों के नेटवर्क होते हैं कितने सारे, है ना, पड़ोस में कुछ हो रखा होता है तो मम्मियों को पहले पता चल जाता है कि हाँ भाई ये दिक्कत हो रही है ना। तो ये नेटवर्क का कमाल है। अब देखिए इस नेटवर्क शब्द के साथ में जब आपने कंप्यूटर जोड़ दिया ना, तो बस कंप्यूटर्स का नेटवर्क हो गया। आपस में कंप्यूटर्स को जोड़ दिया तो वो एक कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, है ना। तो ये कंप्यूटर्स बेसिकली हम क्यों जोड़ रहे हैं? अगर हम लोगों को भी देखें, अगर ये लोग हैं जो आपस में जुड़ रखे थे, नेटवर्क हम लोगों का कहें, तो ये क्या एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर? इनकी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ आप कह लीजिए कि इसके पास में बात है, वो इसके साथ शेयर हो रही है, तो हम बातें आपस में शेयर कर रहे हैं, विचार आपस में शेयर कर रहे हैं। तो यहीं पर अगर हम एक एग्जांपल लेकर के आए किसका, कंप्यूटर्स नेटवर्क का, तो कंप्यूटर्स के पास में कोई विचार, यानी कि उसको क्या बोलेंगे, डेटा बोलेंगे। तो हम डेटा को शेयर कर रहे हैं, एक इन्फॉर्मेशन को दूसरी जगह, दूसरी जगह की इन्फॉर्मेशन हमारे पास में, तो इस तरीके से हमारी इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है, जो एक दूसरे के पास जा रही है, तो ये कंप्यूटर नेटवर्क्स है। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा फायदा आपको ये भी मिलेगा कि आपके रिसोर्स भी है जो शेयर हो जाएंगे। तो बेसिकली बात यहाँ पर ये आती है कि अगर हम इसके फायदों की बात करें, तो मान लीजिए मेरे पास में एक कंप्यूटर, दूसरा कंप्यूटर, तीसरा कंप्यूटर, मैंने इसको किसी भी टेक्निक के साथ में आपस में कंप्यूटर्स को है जो जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, कंप्यूटर्स का नेटवर्क हो गया। अब ये आपस में रिसोर्स शेयर कर सकते हैं, आपस में इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास में 4-5 कंप्यूटर हैं, अब मेरे को यहाँ पर, मैं प्रिंटर लेकर के आती हूँ, ठीक है, अब मेरे को पर 4-5 कंप्यूटर है, तो 4-5 प्रिंटर लाने की जरूरत नहीं है, मैं एक प्रिंटर लाऊंगी, सबको सबके साथ कनेक्ट करूंगी, तो यानी कि मैं एक रिसोर्स भी है जो शेयर कर लूंगी यहाँ पर। तो देखिए कितना बेस्ट एग्जांपल आपके पास में आता है। तो देखिए किताबी भाषा की बात करें, तो अ नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर द रिसोर्सेज। अब ऐसा है कि हाँ, जरूरी नहीं कंप्यूटर, हम यहाँ पर प्रिंटर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई मोबाइल बीच में ला सकते हैं, तो ये सारे क्या हैं, आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो यही क्या हो गया, एक नेटवर्क हो गया, है ना। अब यहाँ पर क्या चीज़ है कि मेरे पास में इतने सारे कंप्यूटर हैं, तो मैं अगर प्रिंटर यहाँ पर वही वाला एग्जांपल लें, तो मुझे क्या होगा कि प्रिंटर मुझे जो है जितने कंप्यूटर उतने खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं एक प्रिंटर ला करके सबसे इसके अंदर कमांड है जो दे सकती हूँ। तो यहाँ पर देखियो मेरा पैसा बच गया, ठीक है, टाइम बच गया, जो है पैसा बचा, टाइम बचा, जगह बची, कितनी सारी चीज़ें हैं। तो मतलब एक नेटवर्किंग का यहाँ पर कितना फ़ायदा है जो हो गया, आपका रिसोर्स है जो आप शेयर कर पा रहे हो, कॉस्ट सेविंग है जो आपकी हो पा रही है, टाइम सेविंग है जो आपकी हो पा रही है ना, जगह की सेविंग है जो आपकी हो पा रही है, आपको इतने प्रिंटर के लिए जगह जो है रखने की ज़रूरत है जो नहीं पड़ी। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, जितने कंप्यूटर उतने यहाँ पर क्या हो गया आपके पास प्रिंटर, नहीं ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, हम रिसोर्स शेयर करेंगे, एक ही प्रिंटर ला करके सबके साथ कनेक्ट है जो करते हैं। अब ऐसी चीज है कि जब हम बात करते हैं ना नेटवर्किंग के अंदर हमारे डिवाइसेस की, तो इसमें डिवाइसेस के लिए हम एक शब्द जोड़ देते हैं, और जो शब्द होता है हमारा नोड, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, नोड बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे जो लैपटॉप हो गया या जो भी हमने डिवाइस आपस में कनेक्ट कर रखे हैं, वो सारे नोड होते हैं नेटवर्किंग की भाषा में। तो किताबी भाषा कहती है कि कंप्यूटर नेटवर्क कैन इंक्लूड डिफरेंट टाइप ऑफ होस्ट आल्सो कॉल्ड नोड्स, हम इनको नोड के नाम से है जो जानते हैं। तो हमारी सारी नोड्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो वो क्या हो गया, एक कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, ठीक है। अब देखिए जब हम बात करेंगे हमारे कंप्यूटर्स के बीच में, तो एक मेरे पास कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर है, अब मुझे अगर यहाँ से कोई डेटा यहाँ पर मुझे भेजना है, तो हमारे पास में दो रास्ते हैं। दो रास्ते कौन से हैं कि भाई, एक रास्ता हो सकता है कि मैं तारों का सहारा लेकर के डेटा को भेजूं, दूसरा रास्ता हो सकता है कि मैं बिना तार के अपने डेटा को भेजूं। तो हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट हो रहा है दो कंप्यूटर्स के बीच में, फॉर कम्युनिकेशन डेटा इन अ नेटवर्क डिवाइडेड इनटू स्मॉलर चंक्स, जिसको हम पैकेट्स बोलते हैं। यहां पर एक शब्द आपके पास में इस्तेमाल होगा बार बार, जिसको हम पैकेट्स का नाम देंगे। देखिए बात यह होती है कि जब हम अपने कंप्यूटर से, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर अपने डेटा को भेजते हैं, तो वो जो डेटा
डेटा है ना वो हमारा चंक्स में डिवाइड हो जाता है, उन्हीं चंक्स को हम पैकेट्स बोलते हैं। इट डजंट मीन कि आपने अपने को जो है हाय अपने दोस्त को भेजा, ये है मान लो चिंकू और ये है मिंकू, मिंकू को तुमने हाय भेजा, तो अब ऐसा नहीं है कि हमारा जो है तारों के बीच में से हाय होकर के जाएगा, है ना। तो क्या होकर के जाएंगे, सिग्नल्स जाएंगे, है ना। तो वो जो हमारा डेटा है वो क्या होगा, सिग्नल्स की फॉर्म में है जो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हमारे पास में चंक्स में डिवाइड होकर के जाएगा, उन्हीं को हमने क्या बोला है, पैकेट्स यहाँ पर है जो बोला है। इजीली अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, दीज पैकेट्स आर कैरिड ओवर आवर नेटवर्क, बिल्कुल एक स्थान से एक जगह से दूसरी जगह पर आपका डेटा है जो जाएगा, यानी कि दो नोड के बीच में हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो यहाँ से डेटा यहाँ पर जाएगा, तो वो पैकेट्स की फॉर्म में है जो बेसिकली जाएगा। तो देखिए, अगर हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर अपने डेटा को भेज रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, जो भी है, तो हमारे पास में यहाँ पर दो तरीके के से ट्रांसमिशन है जो हो सकता है, एक जिसको हम वायर बोलेंगे, दूसरा हम जिसको वायरलेस बोलेंगे। जब हम वायर की बात करते हैं तो हम यहाँ पर बात करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल की, कोएक्सियल केबल की, हम लोग बात करते हैं फाइबर ऑप्टिकल की। अनगाइडेड यानी कि हमारे वायरलेस की जब हम बात करते हैं तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, सैटेलाइट, इनकी बात है जो होती है। अब बेसिकली बात कर ली जाए एडवांटेजेस के बारे में, तो बात को ध्यान से सुनेंगे। कहता है कि कम्युनिकेशन मीडियम जो है यहाँ पर ईजी हो जाएगा, अगर हम नेटवर्किंग के एडवांटेजेस की बात करें, इजीली हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, कह लो कि भाई रिमोटली हम एक्सेस कर सकते हैं। रिमोटली एक्सेस करने के लिए हम एक एडवांटेज की तरफ जाएंगे, जो एडवांटेज हम लोगों को हमारे लॉकडाउन के अंदर, हमने इस चीज़ को बेसिकली देखा होगा, हम घर पर थे, है ना, और हमारे जो सिस्टम थे वो कहाँ थे, हमारे ऑफिस के अंदर थे, तो हम क्या कर पा रहे थे, घर से उन सिस्टम्स को एक्सेस कर पा रहे थे। याद है मुझे एक बार का टाइम कि जब मार्च में आप लोगों का लॉकडाउन स्टार्ट ही हुआ था, तो सेशन भी उस टाइम पर कुछ स्टार्ट हो रहे थे, तो नए नवेले बच्चे होते हैं, तो क्या होता है कि 9th और 10th के अंदर उनके पास में एक सॉफ्टवेयर होता है जैसे कि ब्लू जे, है ना, तो ये सॉफ्टवेयर उनको इंस्टॉल करके देना पड़ता है, उनको दिखाना पड़ता है कि ऐसे डाउनलोड है जो आप कर लीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए इसको। तो ऐसी बात थी कि 9th और 10th के जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ही छोटे थे, उनको इतनी चीज़ें पता नहीं चल रही थी कि कैसे उसको इंस्टॉल करना है। तो याद है कि मेरे को, हम लोगों ने क्या किया था कि हमने, हमारी पूरी टीम ने ऐसा मिल करके कि जो है उनसे उनके सिस्टम्स को रिमोटली एक्सेस कर लिया था। जैसे आप लोगों ने सुना होगा नाम, हम टीम व्यूवर, एनी डेस्क हो गया, हम इनका नाम हमने सुना होगा सॉफ्टवेयर्स का। तो डाउनलोड हो गया बच्चे के सिस्टम में, उसने हमें एक नंबर दिया उसका और हमने उसको अपने एनी डेस्क पर डाला, और इससे क्या किया, घर बैठे मैं उसके सिस्टम को एक्सेस कर पा रही हूँ रिमोटली। आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले सकते हो, मान लो मेरे नहीं आपके लैपटॉप में कोई खराबी हो जाए, तो आप क्या करोगे कि भाई अब जो है शोर, मतलब जहाँ पर भी आप वो जो भी कंपनी है उसके अंदर जाकर के आप उसको दिखाने की बजाय आप कंपनी में फ़ोन करोगे और वो आपका जो सिस्टम है उसको एक बार रिमोटली देखेंगे कि अगर कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीज़ है तो उनका भी पैसा और टाइम बचेगा, आपका भी पैसा और टाइम बचेगा, वो रिमोटली एक्सेस करके सॉफ्टवेयर लेवल की चीज़ को ठीक कर देंगे। बट अगर मान लीजिए कोई हार्डवेयर लेवल है, तब तो बेसिकली स्टेप उठाना ही पड़ेगा कि बंदे को सर्विस के लिए आपके घर आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ मैं आपको रिमोटली एक्सेस की एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर मैं यहाँ घर पर हूँ तो मैं किसी का भी सिस्टम रिमोटली एक्सेस कर सकती हूँ, तो फ़ायदा हो गया नेटवर्किंग का, रिसोर्स शेयरिंग का तो फ़ायदा हमने देख ही लिया, रिलायबिलिटी भी है। ठीक है, रिलायबिलिटी नहीं होगी तो फिर हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, बैकअप हम रख सकते हैं फाइल्स का, है ना, तो कॉस्ट सेविंग तो है ही, टाइम सेविंग भी है, जो अभी एग्जांपल लिया कि बंदे को घर तक नहीं आना पड़ा सर्विस देने के लिए, सॉफ्टवेयर लेवल की चीज़ थी तो वहीं पर रिमोटली आपकी देख ली है, या मुझे किसी के घर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराने के लिए नहीं जाना पड़ा, मैंने सिस्टम को एक्सेस किया रिमोटली और सॉफ्टवेयर एक्सेस करके बच्चे को सारी चीज़ें समझा भी दी हैं, रिसोर्स शेयरिंग, सारे फायदे आपको मिल गए। अब देखिए, हर चीज़ के अपने फायदे और नुकसान भी है जो होते हैं, तो कोई भी चीज़ अपने आप में पूर्णतया आप कह लो 100% परफेक्ट नहीं होती है, और 100% हम आप कह सकते हो कि भाई ना परफेक्ट वाली भी कोई चीज़ नहीं होती है। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो देखिए, थ्रेट हो सकता है डेटा के साथ में, हम इसको एक मान करके चल सकते हैं, बट हम इसको ही नहीं कहेंगे कि भाई कह लो कि भाई अगर मुझे जो है एक्सीडेंट का डर है तो फिर मैं ड्राइविंग ही क्यों करूँ, तो वो बात नहीं है। वो कहने का मतलब है कि ऐसा हो सकता है, तो ये भी कहीं ना कहीं चीज़ है। तो जब हमें किसी चीज़ के बारे में अच्छी चीज़ें पता है तो हमें बुरी भी पता होनी चाहिए, तो बेशक इसके मुझे एडवांटेजेस पता है तो मुझे डिसएडवांटेजेस भी पता होने चाहिए। तो थ्रेट हो सकता है आपके डेटा के साथ में, और यह ऑब्वियस या 100% नहीं हो सकता है, हो सकता है,
ठीक है, ओके. सो डिफिकल्ट है सेटअप करना. अब ऐसी बात है कि जिसको अच्छा खासा नॉलेज है नेटवर्किंग का, उसके लिए तो ठीक है. लेकिन अगर मान लीजिए मैंने अपना बिजनेस अभी स्टार्ट किया और मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है नेटवर्किंग के बारे में, और काफ़ी सारे कंप्यूटर भी हैं जो मैंने ले रखे हैं, अब मेरी खुद की इतनी कमाई हो नहीं रही है, लेकिन मुझे नेटवर्किंग के लिए अलग से एक बंदा ढूंढना पड़ेगा और उसको ये काम सौंपना पड़ेगा कि भाई जो है आप इसका सेटअप है जो करो, क्योंकि मैं खुद हैंडल नहीं कर पा रही हूँ. तो यानी कि मेरे को एक्स्ट्रा खर्चा अब उसके लिए निकालना पड़ेगा 10-15 हज़ार का. तो बेसिकली सेटअप करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा. अच्छा चलिए, अब किस्से को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जो एक कबूतर. अब कबूतर हमारी एंट्री इस वजह से, मतलब हमारी स्लाइड के अंदर इसकी एंट्री हुई है कि हम आपको कुछ साल पीछे लेकर के जाना चाहते हैं, क्योंकि हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं एक अगला टॉपिक जिसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग. तो बात आती है उस समय की, किस समय की, जब हम बात करते थे एक जगह से जब मुझे संदेश जो दूसरी जगह भेजना होता था तो हम क्या करते थे, कबूतरों का यूज़ है जो करते थे. तो कबूतर हमारा उड़ करके जाता और दूसरी जगह हमारा जो है मैसेज वो पहुंचा देता. हाँ, मुझे भी ऐसी चीज़ है कि मेरे को भी ऐसा लगता है कि मेरे को देखना था वो वाला टाइम. कभी ऐसे है ना कि टाइमलाइन में कभी पीछे जाने का मौका मिले, तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं देखना चाहती हूँ. उसमें से ये भी चीज़ है कि भाई कभी मारनी पड़ती थी कि मैंने जो है मतलब 14 फरवरी के आसपास अगर मुझे मैसेज किसी को भेजना होता ए को और वो बंदा बी को भेजाता तो कैसे क्या होता है ना. हाँ, तो वही चीज़ है, मतलब मम्मी की बजाय बेटी की बजाय मैं मम्मी को दे आता है ना. तो वही चीज़ है, कहने का मतलब है ये तो एक मजाक की बात रही, बट हम एक जगह से मैसेज दूसरी जगह भेज रहे हैं तो यहाँ पर हमारे कबूतर हमारी सहायता किया करते थे. फिर एक टाइम आता ड्रम वाला है ना, तो ब्रॉडकास्ट होता था राजा के महल से मैसेज कि राजा सुनो सुनो सुनो, कल राजा यहाँ आ रहे हैं, कल राजा वहाँ आ रहे हैं, और ये और वो जो भी चीज़ें है ना. तो ये भी एक वे ऑफ क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का एक जरिया. देखो बंदे ने कैसे चेंज किया है अपने आप को, है ना, आवश्यकता पड़ती रही और आविष्कार पनपते रहे. तो चलिए, अब फिर एक टाइम आता है जब हम पोस्टमैन की बात करते हैं, खैर वो तो हम बात अभी भी करते हैं. तो ये एक टाइमलाइन है जो दौरान इस दौरान रही है. तो कह लो कि भाई अगर हमने सुना है कि भाई बंदर से इंसान बने हैं, तो ये भी एक जर्नी रही है, ये भी एक टाइमलाइन है जो रही है. वैसे ही हम यहाँ पर नेटवर्क्स को लेकर के आते हैं और इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क के अंदर पढ़ते हैं. सबसे पहले वो टाइम जिसको हम कहेंगे आर्पानेट का टाइम. तो अगर हम एक सोच की बात करें और एक पहली चीज़ की बात करें कि आर्पानेट, अगर जब नेटवर्क सबसे पहले शुरू हुआ था या किसने इसके बारे में सोचा था, क्योंकि हम जिस इरा में पैदा हुए हैं उसके अंदर या हम जो अभी भी जो है चीज़ें हमारी अगर डे टू डे लाइफ के अंदर है, तो नेटवर्क आपको पता है कि कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है जो आज प्ले कर रहा है. नेटवर्किंग का ही आप कह लो कि एक फ़ायदा ही था, जो हमारा लॉकडाउन का पीरियड था वो कितना ज़्यादा आप कह लो कि भाई स्मूदली है जो बीता है. स्मूदली शब्द यूज़ करना यहाँ कोई गलत नहीं होगा. क्यों? क्योंकि बेशक हम मिल नहीं रहे थे अपनों से, लेकिन हम वीडियो कॉल पर बात ज़रूर कर रहे थे. हमें जो है मिलकर के पता नहीं चल रही थी खुशी, लेकिन हम फोटोज़ के थ्रू, अपनी वीडियो कॉल्स के थ्रू वो खुशी है जो एक दूसरे से जाहिर कर रहे थे. तो मैं ये पर्सनली मानना है कि लॉकडाउन पड़ा भी तो जो है एक सही टाइम पर आया, क्योंकि अगर वो कुछ ऐसे टाइम पर आता जब इन्फॉर्मेशन शेयर ही नहीं हो सकती थी, तो उस टाइम पर बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती और शायद हम इस हद तक इसको रोक भी ना पाते. अभी हमने एक दूसरे को अवेयर किया, हमने जो है किसी की मदद अगर हो सकती थी तो वो हमें पता चली तो हम मदद कर पाए. आपने देखा होगा कि लोगों ने जो है वीडियोस डाल डाल करके बोला कि अच्छा यहाँ खाना पहुँचाओ या यहाँ ये दिक्कत है. तो बहुत सारे लोगों ने जो एक दूसरे की हेल्प है जो की है. खैर वो टाइम हम कभी भूल ही नहीं सकते हैं. चलिए, अब हम उस टाइम से थोड़ा सा प्रेजेंट के अंदर आते हैं और यहाँ पर हम उस टाइम की बात करते हैं जो कि आर्पानेट की बात होती है. तो देखिए, जब एक सोच की बात होती है कि भाई ये कब स्टार्ट हुआ, तो ये स्टार्ट होता है जी यूएस गवर्नमेंट के थ्रू. हाँ, अगर हम देखें तो मोस्टली चीज़ें जो हैं जो यूएस में ही स्टार्ट नहीं हुई लगती हैं. हाँ बिल्कुल, तो ये भी अगर हम आर्पानेट की बात करें तो यूएस गवर्नमेंट है जो उन्होंने इसको शुरू किया था. तो बात थी 1960s के आसपास, तो 69 इसका एक साल है जो माना जाता है, बट 60s के आसपास इसकी शुरुआत हो चुकी थी आर्पानेट की. इसके पीछे बहुत कहानियां हैं, हमें अब उस कहानियों में तो जाना नहीं है, लेकिन अगर हम इसको बहुत ही ऊपर से देखें तो आर्पानेट एक तो फुल फॉर्म बता दें, ये पहली तो चीज़ बता दें कि एक एजेंसी थी जिसको ये सौंपा गया काम इस नेटवर्क के लिए. तो ये आर्पानेट है, इसका जो फुल
फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, तो उन्होंने इसके अपने नाम के ऊपर ही इसका नाम है जो रख दिया। बात ऐसी हो रही है कि जो है इन्होंने ये बेसिकली ऐसा सोचा कि डिफेंस के लिए या फिर कह लो यूनिवर्सिटीज़ के लिए जब हमें डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजना पड़ रहा है, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा जो है नेटवर्क इस्टेब्लिश किया जाए कि अगर मान लो न्यूक्लियर जैसी भी कभी सिचुएशन कंडीशन आती है तो भी इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो पाए, रुक ना पाए इन्फॉर्मेशन। तो इन्होंने शुरुआत की इसके लिए और फिर जाकर के हमारा जो है आर्पानेट, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आई थी। कभी आप लोग जब बीटेक में जाकर के इसकी हिस्ट्री को मेन पढ़ोगे तब आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो पता चलेगी। खैर हम इतना डीप या गोते में नहीं जाएंगे चीज़ें क्योंकि हमें आती नहीं है इतनी ज़्यादा चीज़ें इतनी डीप में, तो हम अपना पूरा सिलेबस से चिपक करके है जो चीज़ों को पढ़ेंगे तो जो चीज़ें मुझे लगेगा कि बताने वाली होंगी तो वो हम ज़रूर बताएंगे। बाकी देखिए ये आपको विकिपीडिया के ऊपर एक पूरा एक डायग्राम है जो मिल जाएगा आर्पानेट का। तो ये कुछ इस तरीके से एक सोच है जो भरी गई थी, या कह लो कि भाई इस तरीके से वो पहला एक नेटवर्क है जो डिज़ाइन हुआ था। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं और उस ईरा से बाहर निकलते हैं, 1960s के ईरा से। तो 69 के करीब आप कह लीजिए कि ये कुछ आता है आपका आर्पानेट, 1960s के ईरा के टाइम पर या कह सकते हैं आसपास के टाइम के दौरान ही आपका आर्पानेट है जो आता है। तो जो पहला मैसेज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ है, इनके बीच में जो पहला मैसेज है वो जो है अद आप कह लो कि भेजा जाता है। तो ये कहानी के बाद में अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो 80s के टाइम पर हमारा जो है, देखो अब इस दौरान ऐसा नहीं है कि आर्पानेट के बाद में कोई चीज़ नहीं आई होगी, बिल्कुल आई होगी। हम मेन टाइमलाइंस की तरफ पढ़ रहे हैं या बढ़ रहे हैं। तो देखिए उसके बाद में ऑफकोर्स उसमें कमियां थी, कुछ सुधारी गई चीज़ें। तो फिर एक NSF नेट यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन जो है क्रिएट करती है NSF नेट को, ऑफकोर्स जो ज़्यादा कैपेबल हो किससे आर्पानेट से, क्योंकि पहली चीज़ की अगर हम बात करें ना तो पहला तो देखो यार पहला तो अक्षर भी हमने टेढ़ा मेढ़ा लिखना सीखा था, है ना। तो पहले तो हमें ए भी है जो नहीं आया था, तो हमारी मम्मी जानती है कि हमने कैसे ए है जो या आ भी है जो लिखना सीखा था। तो यहाँ तो बात इतनी बड़ी चीज़ की थी, तो ऑफ कोर्स हम कहेंगे कि ये उतनी परफेक्ट नहीं थी, बट कहीं ना कहीं जब एक चीज़ की शुरुआत होती है तो वो इम्परफेक्शन से ही होती है, तो बढ़ बढ़ करके आगे तो वो परफेक्शन की तरफ है जो जाती है। खैर परफेक्शन की तरफ ही हम सारी ज़िंदगी है जो बढ़ते रहते हैं, लाते ही रहते हैं परफेक्शन, है ना, आता ही रहता है। जितना आप उसके अंदर एक्सपीरियंस में अंदर जाओगे तो उतना आएगा। तो ये कुछ बात रहती है जब हम शुरुआती टाइम की बात करते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर इसको इंटरनेट के नाम से हैं जो NSF और उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें और भी हुई, तो अभी हम इंटरनेट के नाम से इसको बेसिकली जानने लगे। तो इंटरकनेक्शन नेटवर्क है जिसको हम आज की डेट में बोलते हैं। कहते हैं कि द इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड, मेरे को नहीं लगता कि मुझे इसकी डेफिनेशन आपको पढ़ाने की ज़रूरत होगी। तो देखिए इंटरनेट की जब बात हो रही है तो इंटरकनेक्शन नेटवर्क की बात हो रही है, तो यानी कि आज के ईरा में जब हम इसकी बात करते हैं आर्पानेट की NSF नेट की, तो हम इसको नाम इंटरनेट के से जानते हैं। अब आने वाले टाइम में हम बात करते हैं इंटरस्पेस की। तो इंटरस्पेस एक तरीके से हम एक विज़न कह सकते हैं कि कल की डेट में हमारा जो इंटरनेट है वो हमें किस तरीके से दिखाई देने वाला है। मैं तो कहूँगी इसकी शुरुआत आपकी हो चुकी है कि क्या तुम ऑडियो या वीडियो, टेक्स्ट मैसेज या 3D एनिमेशन नहीं देख पा रहे हो, क्या तुम सेंड नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल। तो कह लो कि भाई इंटरस्पेस की एक तरीके से शुरुआत कह लो कि हो चुकी है। बातों में से बातों को आगे लेकर के जाएंगे। 1969s के करीब, मतलब उस ईरा के करीब आपका आर्पानेट है जो आता है, 80s के करीब NSF आता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान में है जो रखना है। ओके, अब आगे चलते हैं। तो कहता है कि कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, तो देखिए नेटवर्किंग की बात हो रही है तो कम्युनिकेशन की बात कहीं ना कहीं होगी। तो देखिए डेटा कम्युनिकेशन कंप्राइज टू वर्ड, डेटा और कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हो रहा है लेकिन किसका, डेटा का। डेटा क्या चीज़ है, ये आपको चीज़ पता है कि डेटा तुम्हारा नाम, मेरा नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ, आज की डेट, किस टाइम पर तुम ये प्रिमर है जो देख रहे हो, ये सारी चीज़ें क्या है, डेटा है। तो डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, फैक्ट हो गया, इमेजेस हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, कोई जो है सर्वे हो गया, उसके आंकड़े हो गए, मल्टीमीडिया फाइल्स हो गई, ये सारा क्या है, डेटा है। कम्युनिकेशन यानी कि मैं अगर सेंडर की बात करूँ, रिसीवर की बात करूँ, तो इन दोनों के बीच में जो है हमारा जो कम्युनिकेट होता है यानी कि डेटा एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, तो वही क्या होगा, मतलब कम्युनिकेशन डेटा कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, ओके। तो अभी
भी ये कहता है कि द डेटा कम्युनिकेशन रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू और मोर नेटवर्क और कनेक्टेड डिवाइसेस. दो डिवाइस आपस में कनेक्ट हैं, वो आपस में डेटा को शेयर कर रहे हैं. अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो हमारे पास में सेंडर साहब हैं यानी कि जहाँ से डेटा जाता है, और ये रिसीवर साहब हैं जहाँ पर डेटा रिसीव होता है. तो हम इसके बीच में कोई ना कोई मीडियम यूज़ ज़रूर करते हैं. ऐसा तो नहीं है कि जो है सपने में ही हमारा डेटा है जो भेजा जाता है. नहीं, एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें, तो कोई ना कोई मीडियम है जो यूज़ हुआ होगा. मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है. अब ये जो आप यहाँ पर एक शब्द सुनोगे वो है प्रोटोकॉल. एम ही मैसेज नहीं चले जाते हैं कि हमने कहा कि मैंने बंदे को हाय आई एम जो कुछ भी मैंने भेजा है, तो वो ऐसे मैसेज नहीं जाएगा. प्रोटोकॉल्स के दायरे में रह करके है जो जाएगा. रूल्स हैं जो फॉलो होते हैं. दुनिया में जो है कितने सारे लोग एक सेकंड में, या कह लो कि भाई एक पल की बात भी कर लें, कि कितने सारे मैसेज या डेटा ट्रांसफ़र है जो हो रहा है, तो वो सारे प्रोटोकॉल्स के अंदर रहते हुए आपके डेटा है जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. सारी चीज़ों को पढ़ेंगे. पढ़ते हैं सबसे पहले सेंडर. सेंडर जी भाई उस महान आत्मा का नाम है या फिर उसके बारे में बात हो रही है. अ सेंडर इज़ अ कंप्यूटर और एनी सच डिवाइस विच इज़ कैपेबल ऑफ सेंडिंग डेटा ओवर अ नेटवर्क. इट कैन बी कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, वॉकी टॉकी, वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइसेज, कुछ भी हो सकता है. सेंडर जो कि डेटा को भेज रहा है, सीधी सी बात, बिल्कुल. रिसीवर जो कि वही डेटा रिसीव कर रहा है. तो जब सेंडर तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर, स्मार्ट वॉच, तो फिर इधर से रिसीव करने वाला भी कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो रिसीवर हमारा यहाँ पर है कि जो डेटा को रिसीव कर रहा है. इट कैन बी एनी कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप, जो भी आप कहें. तो डेटा हमारा सेंडर से रिसीवर तक पहुँच रहा है, और बीच में क्या हो रहा है, कम्युनिकेट हो रहा है. तो डेटा कम्युनिकेशन इसको बोल दिया है ना. मैसेज, मैसेज बिल्कुल, मैसेज वही इन्फॉर्मेशन, वही डेटा जो हम सेंडर से रिसीवर तक भेज रहे हैं. ठीक है, इट इज़ द डेटा और इन्फॉर्मेशन दैट नीड्स टू बी एक्सचेंज बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर. मैसेज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, नंबर, इमेजेस, व्हाटएवर. तो मैंने आसान भाषा में और किताबी भाषा में दोनों चीज़ों में आपको चीज़ें बता दी हैं. कम्युनिकेशन मीडियम की अगर आप बात करोगे तो हमारे पास में दो जरिए हैं. एक तो मैं तार का सहारा ले सकती हूँ, और एक मैं बिना तार का सहारा लिए भी डेटा है जो भेज सकती हूँ. ठीक है, बिना तार का सहारा लिए आप अनगाइडेड बोल सकते हो, तार का सहारा लेकर के गाइडेड बोल सकते हो. ठीक है, तो सोर्स से डेस्टिनेशन तक हमारा डेटा जब जाएगा तो हम तार के सहारे में तारे यूज़ कर सकते हैं. ट्विस्टर पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिकल हो सकता है, बिना तार के ब्लूटूथ हो सकता है, हमारा जो है सैटेलाइट हो सकता है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. अब प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स को हम लोग अलग से देखेंगे, बट यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये क्या है, सेट ऑफ रूल्स हैं. रूल्स का मतलब है कि अगर हम एक जगह से दूसरी जगह डेटा भेज रहे हैं तो वो यूं ही नहीं जाएगा, वो कुछ रूल और दायरे में रह करके जाएगा. ठीक है, तो रूल्स इंटरनेट की दुनिया में यूज़ होते हैं. जैसे हमारे घर में हमारी मम्मी के रूल चलते हैं, वैसे ही इंटरनेट में भी जो है रूल चलते हैं. उन्हीं रूल्स को आपने प्रोटोकॉल बोल दिया है. तो जब हम बात करते हैं हमारी तार के बारे में, तो ये है हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल. देखो, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ट्विस्ट हो रखी हैं तारें. ठीक है, तो जैसे मेरी एक ये तार है, इसको मैंने क्या किया, दूसरी तार से ऐसे ट्विस्ट कर दिया, तो ये ट्विस्टेड पेयर केबल हो गई. तो ट्विस्टेड पेयर केबल ये हमारी हो गई. तो बेसिकली ऐसा क्यों किया जाता है, ये चीज़ की जाती है क्रॉस टॉक को रोकने के लिए. और क्रॉस टॉक क्या है, क्रॉस टॉक है इस तरीके से कि आपका जो डेटा है वो बेसिकली लॉस ना हो जाए. ठीक है, तो मतलब डेटा के लॉस को रोकने के लिए ही हम इसको एक तार से ट्विस्ट है जो बेसिकली कर देते हैं, और यही हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल है जो कि ऐसे डीएनए की शेप में है. ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होता है, कॉपर वायर होती है, इंसुलेटेड विद प्लास्टिक कवर. इसको प्लास्टिक कवर है जो ऊपर से चढ़ा दिया जाता है. तो अगर हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ें तो कहता है कि इट इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क. सो छोटा अगर नेटवर्क मुझे जो है एस्टैब्लिश करना है तब तो ये ठीक है, हम इसका यूज करते हैं. इट कंटेन फोर ट्विस्टेड पेयर कवर्ड इन एन आउटर शील्ड. बिल्कुल, ये आउटर शील्ड है जो इसको पहना दी गई है. ये सारी चीज़ें होती हैं ताकि हमारा डेटा है जो बेसिकली लॉस ना हो पाए. द ट्विस्टेड पेयर केबल आर ट्विस्टेड इन ऑर्डर टू रिड्यूस क्रॉस टॉक. मैंने बोला ना, क्रॉस टॉक यानी कि डेटा हमारा लॉस ना हो जाए. तो अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह अपना डेटा ट्रांसफर कर रही हूँ तो मेरी जो ये जो है डेटा क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है. तो जैसे अगर हम इसका एक एग्जाम्पल लें, ये केबल हमारी बेसिकली यूज होती थी कहाँ पर, जब फोन लैंडलाइन वगैरह हम यूज़ करते हैं, है ना. तो RJ45 इनके आगे लगाया जाता, तो हमारे फोन्स वगैरह के अंदर यूज़ होती थी, लैंडलाइन वगैरह के. तो आपको नहीं लगता कि जब हम बारिश के टाइम पर अपने फ़ोन को उठाते थे तो पड़ोसी की सारी बातें हैं जो सुनाई पड़ती थी, सास बहू में क्या जो है क्या रंजिश हो रही है और क्या चीज़ें हो रही है, तो सारी चीज़ें हमें पता चलती थी, है ना. किसी ने ऐसी कहानियाँ की हुई हैं क्या, बचपन में तो बहुत सारी चीज़ें की है ना. तो क्रॉस टॉक वही चीज़ हो गई कि हमारा डेटा है जो लॉस ना हो पाए, है ना. तो उसको हम रिड्यूस करने के लिए तो एक तार को दूसरी तार से ट्विस्ट कर दिया जाए ताकि डेटा
का जो लॉस्ट हो रहा है उसको रोका जा सके. कहता है कि दीज पेयर आर कलर्ड कोडेड. RJ45 कनेक्टर है जिसका यूज होकर के इसको आगे है जो लगाया जाता था RJ45 कनेक्टर को, ताकि हम कनेक्ट कर पाएं जहां पर भी हमें कनेक्ट करना है. अब अगर बात कर ले तो इसके अंदर CAT 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारी इसकी आगे कैटेगरीज जो है इसकी वेरियस फॉर्म्स आ गई हैं. फिर ये इसको ईथरनेट केबल भी है जो बोल दिया जाता है, और इसके दो पेयर हो गए आगे ट्विस्टेड पेयर केबल के ही, अनशील्डेड और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर. तो देखो अगर हम शील्डेड ट्विस्टेड पेयर को देखेंगे तो इसको मोर सिक्योर करने के लिए एक ये जो जैकेट है ये पहनाई गई है, और अगर अनशील्डेड की बात करेंगे तो इसमें आपकी ये जो है सिल्वर जो है ये नहीं इसके ऊपर लगा हुआ है. ठीक है, तो ये हो गया. अगर RJ45 कनेक्टर की बात की थी तो RJ45 इज अ टाइप ऑफ कनेक्टर कॉमनली यूज्ड फॉर ईथरनेट नेटवर्किंग. और RJ45 के अंदर कुछ 8 पिन है जो लगी होती है, तो हम जो है बेसिकली अपने लैन को कनेक्ट करने के लिए यूज़ में लेकर के आते हैं. अगर हम आगे कुछ चले और बात करें तो कहता है कोएक्सियल केबल के बारे में. तो ये केबल आपने देखी होगी टीवी वगैरह के पीछे हम लोग बेसिकली है जो लगाते हैं. तो कोएक्सियल केबल इज़ अ टाइप ऑफ कॉपर केबल स्पेशली बिल्ट विद अ मेटल शील्ड. तो कुछ इस तरीके से बनी होती है, बहुत ही आप कह लो कि जो है सेंसिटिव होती है, टूट जाती है जल्दी, तो इसका ख्याल है जो बिल्कुल रखना पड़ता है. इट इज़ प्राइमरी यूज्ड बाय केबल टीवी कंपनीज टू कनेक्ट दियर सैटेलाइट एंटीना फैसिलिटीज़. बिल्कुल टीवी में, होम टीवी वगैरह में आपने छोटे मोटे बिजनेस हैं उनके अंदर जो है देखा होगा. तो कहने का मतलब है यहाँ पर इतना सा कि हम इसको टीवी वगैरह में इसका यूज़ है जो बेसिकली करते हैं डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए. अब आती है वो तार जिसकी बारे में हमें पता होना चाहिए. तारों में तार इज़ फाइबर ऑप्टिकल. तो जिसको हम आज की डेट में है जो बेसिकली यूज़ करते हैं, ये तार सबसे महंगी भी है और डेटा मोर सिक्योर भी है, और इसके अंदर आपका डेटा जो है लॉस्ट भी नहीं है जो होता है. तो इसलिए हम इसका यूज़ है जो करते हैं ऑप्टिकल फाइबर का. तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है लंबी जो दूरी है या डिस्टेंस है उसको अच्छे से कवर है जो कर लेती है, तो हम इसका ही यूज़ है जो कर रहे होते हैं. और ये सबसे महंगी भी है जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. ये आपको कुछ इसके एग्जाम्पल्स देखने में कुछ इस तरीके से, अरे 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 मैंने बटन दबाना था नेक्स्ट वाला और एंड का दबा दिया. तो ये आपने कुछ इस तरीके से देखा होगा, ये सारे फाइबर ऑप्टिकल के ही एग्जांपल्स हैं. तो देखो पानी के अंदर भी जो है पानी के अंदर भी इसका आप देख सकते हो. तो इस तरीके से फाइबर ऑप्टिकल आपकी जो मोर सिक्योर है और लंबी दूरी है जो तय कर लेती है एंड डेटा आपका लॉस्ट नहीं होता है, तो हम इसका ज़्यादातर यूज है जो कर रहे होते हैं. ज़्यादा एक्सपेंसिव है बेसिकली. आप देखिए तीनों का आपने ये जो है अंतर आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आपके नोट्स बनाने में ये काम है जो बेसिकली आएगा. ओके, आगे चलते हैं. और अगर हम इसके बारे में बात करें डेटा ट्रांसफर रेट के बारे में, डेटा ट्रांसफर रेंज के बारे में, तो ये भी चीज़ें आप अपनी कॉपी में नोट करके रख लीजिएगा. अगर आपको पेपर में कभी लिखने में कोई चीज़ आती है तो उसमें आपकी हेल्प हो जाएगी. अब वायरलेस मीडियम टेक्नोलॉजी की बात है जो यहाँ पर करते हैं. तो देखिए वायरलेस मीडियम यानी कि तार का सहारा लिए बिना. ओके, तो हम इसके अंदर लेकर के आते हैं हमारा ब्लूटूथ लेकर के आते हैं, वाईफाई, वाईमैक्स लेकर के आते हैं, ठीक है. तो यानी कि जब दूरी ज़्यादा लंबी नहीं है, ठीक है, मतलब ज़्यादा लंबी है तब हम इसका यूज़ है जो कर रहे होते हैं. अगर लंबी नहीं है तो हम तार के सारे, अगर मैं घर पे बैठी हूँ तो मैं प्रेफर करूँगी कि जो है मेरे मोबाइल और मेरे लैपटॉप मैं USB केबल से डेटा ट्रांसफ़र कर लूँ, जो जल्दी भी हो जाएगा और कह लीजिए बिना कोई जो है मुझे अगर हैकर वैकर का भी डर नहीं है इसके अंदर, क्योंकि आपका डेटा है सीधा पॉइंट टू पॉइंट है जो जा रहा है. लेकिन अगर वायरलेस की बात कर लेंगे तो बिल्कुल डेटा लॉस्ट होने के चांसेस रहते हैं. आगे चलेंगे. अभी हम देखिए कहता है कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर यूज फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन ओवर कंप्यूटर नेटवर्क. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ है जो होता है बेस्ड ऑन दियर फ्रिक्वेंसीज. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर कैटेगराइज इनटू वेरियस कैटेगरीज. दीज कैटेगरीज आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो देखिए सबसे अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर ले तो हमारे पास में रेडियो वेव, उसके बाद माइक्रोवेव, इंफ्रा, देन उसके बाद में विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, और फिर एक्सरे, फिर गामा रेयर्स, और ये इस तरीके से आपके पास में क्वेश्चन है जो बन करके आ सकता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनकी फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग. आगे चलेंगे. कहता है कि इंफ्रारेड वेव्स ट्रांसमिशन. तो सबसे पहले इंफ्रारेड की यदि हम बात करते हैं तो एक बेस्ट एग्जाम्पल इसको समझने के लिए होगा हमारे पास में हमारा रिमोट. ठीक है, तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है यानी कि मेरा जो टीवी है वो मेरे सामने है,
और टीवी या फिर मैं एसी भी कह लूँ, तो ये दोनों सामने हैं, तो तब जाकर के अगर मैं बटन दबाती हूँ तो उससे ये बंद या ऑन है जो होगा। तो यानी ये दोनों का सामने आपस में जो जो है मिलाप होना ज़रूरी है। तो मेरा ऑब्जेक्ट सामने होना चाहिए और दूसरा ऑब्जेक्ट सामने होना चाहिए, तो फिर यहीं से मेरा डेटा है जो, या फिर कह लो कि भाई इंफ्रा रेड के लिए दूरी है जो बहुत ही कम है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने एसी को पड़ोसी के घर पर जाकर के भी स्टार्ट कर दूंगी, नहीं कर सकती ना, है ना, या फिर मैं उनका एसी अपने से कर दूं, नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब है कि इसकी सबसे शॉर्ट रेंज है 5-10 मीटर, मुझे लगता है ज़्यादा लिख दी है। अगर किताबी भाषा की बात करें तो ज़्यादा लिखी है, लेकिन अगर हम अगर एग्जांपल लें घर का भी, तो अगर मैं ऊपर बैठी हूँ यहाँ पर थर्ड फ्लोर पर, अगर मुझे फर्स्ट फ्लोर पर टीवी भी चलाना तो नहीं हो पाएगा, है ना, तो नहीं हो पाएगा। तो मतलब अगर बीच में एक दीवार भी आ जाती है तो फिर कनेक्शन टूट जाता है। ठीक है, अब ये कहता है कि यूज्ड इन कोर्डलेस माउस रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस, बिल्कुल हम जो है हमारे ब्लूटूथ वाले जो माउस होते हैं, या फिर हम बात कर लें हमारे रिमोट कंट्रोल्स की, या फिर ऐसे डोर होते हैं जो कि उसे जो है रिमोट से ऑन या ऑफ होते हैं, क्लोज या होते हैं ना, तो उनके अंदर इसका यूज़ है जो बेसिकली हो रहा होता है। दे डू नॉट पास थ्रू सॉलिड ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ और मैं अगर बाहर जा कर के भी एसी को ऑन करना चाहूँ, अगर बीच में एक दीवार आ गई, तो भी नहीं है जो ट्रांसमिशन हो पाएगा। अब ये कहता है कि वन एडवांटेज की बात कर लें, तो कहता है कि वन एडवांटेज ऑफ दिस इज दैट इन्फ्रारेड, अब अगर इसके एडवांटेज की बात करें तो कहता है कि वन एडवांटेज ऑफ दिस इज दैट इंफ्रारेड सिस्टम इन वन रूम ऑफ बिल्डिंग विल नॉट इंटरफेयर विद अ सिमिलर सिस्टम इन एडजेसेंट रूम। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए अगर मुझे ये एसी ऑन करना है, तो अगर कमरे में कोई दूसरा भी एसी लगा हुआ है तो वो नहीं ऑन हो जाएगा उसे, तो इसका काम इसी के थ्रू है जो होगा। तो कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जो इसको फर्क नहीं डाल सकता। अगर मैं रिमोट से टीवी चला रही हूं, तो टीवी चलेगा, मेरा एसी नहीं ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब ये कहता है कि इट इज़ लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन। लाइन ऑफ साइट मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों आमने सामने है जो हुए होने चाहिए। अगर मैं बाहर भी चली जाऊँगी तो भी मैं ऑन या ऑफ नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, ओके, अगर बीच में एक भी ऑब्जेक्ट, दीवार आ गई या कुछ भी आ गया, तो फिर कनेक्शन हमारा टूट जाएगा। अब ये कहता है कि सो इन्फॉर्मेशन पासिस टू द डिवाइस इज नॉट लीक्ड। बिल्कुल लीक नहीं होगी, क्योंकि अगर दो बंदे सामने खड़े होकर के बात कर रहे हैं तो बिल्कुल लीक होने के चांसेस है ही नहीं। अगर मान लो कोई बंदा बहुत दूर खड़ा और मैं जोर जोर से चिल्ला रही हूँ, तब दूसरों को नहीं देखा, हम पास में खड़े हैं तो बात कर सकते हैं, वही चीज होगी। और दोनों ऑब्जेक्ट सामने सामने हैं तो डेटा लीकेज के चांस इसने रहते नहीं है। नो सस्पेक्टेबल टू वेदर कंडीशन। अब ऐसा है कि ऐसा कभी तुमने सुना है कि तुम्हारे घर के तुम अपने टीवी देख रहे हो और बारिश हो रही है और उससे तुम्हारा टीवी, तुम्हारा रिमोट का कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा है? नहीं होता है ना। तो अगर मैं ऑन करना चाहूँ, बाहर कितनी भी बारिश हो रही है, बिजली पड़ रही है, कोई टेंशन की बात नहीं है, हम अपने लैपटॉप को, हम अपने टीवी को, हम अपने जो है एसी वेसी, उसको रिमोट से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया टीवी, माउस हो गया, ये सारे हम इनके अंदर यूज़ करते हैं। कुछ गैरेज वैरेज के डोर वोर होते हैं, वायरलेस स्पीकर वगैरह होते हैं, तो उनमें हम इनका यूज़ है जो बेसिकली कर रहे होते हैं। रेडियो वेव्स की अगर हम बात करेंगे तो रेडियो वेव्स हमारी ओमनी डायरेक्शनल होती है। क्या होती है? ओमनी डायरेक्शनल होती है। ओमनी डायरेक्शनल जैसे कि अगर मैं इस टावर की बात करूँगी, तो अब देखो इस दायरे में जितने भी पहाड़ हैं या जितने पहाड़ों पर चल रही गाड़ियाँ हैं या घर है, घर के बाहर अंदर सब जगह हमारा FM है जो रेंज पकड़ रहा है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल हो गया इसको समझने के लिए। इट इज़ ओमनी डायरेक्शनल। कोर्डलेस फोन हो गया, जो आपके FM हो गए, AM हो गया, ब्रॉडकास्ट रेडियो वगैरह हो गया, है ना, तो उनके अंदर हम इनका यूज है जो बेसिकली कर रहे होते हैं। रेडियो वेव्स आर यूज टू ट्रांसमिट टेलीविजन और रेडियो प्रोग्राम्स। जी हाँ, बिल्कुल, वाईफाई ब्लूटूथ हैज बिकम अ कॉमन वर्ड टूडे। ऑल्सो यूज रेडियो वेव टू ट्रांसमिट डेटा अमंग कनेक्टेड डिवाइसेस। अब आगे अगर बात करें तो कहता है कि लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन हो पाता है पॉसिबल। तो ये कहता है कि रेडियो वेव्स कैन कवर डिस्टेंस रेंजिंग फ्रॉम फ्यू मीटर। जैसे वॉकी टॉकी एक एग्जाम्पल हो गया, है ना, तो वॉकी टॉकी के अंदर भी यही है जो रेडियो वेव्स बेसिकली यूज हो रहे होते हैं, तो जो कवर कर रहे होते काफ़ी हद तक के हिस्से को। हमने जो है उसमें देखा होगा स्ट्रेंजर थिंग्स के अंदर भी, है ना, तो जो है कितनी दूरी पर भी हम जो है बात कर पा रहे थे। अगर चलो स्ट्रेंजर थिंग तो एक साइड रह गई, दिल मांगे मोर हम एग्जांपल ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है दिल मांगे मोर कौन सा एग्जांपल, हम अपने आर्मी वालों का एग्जांपल ले सकते हैं। तो वहाँ पर भी वॉकी टॉकी है जो यूज़ हो रहे होते हैं, बट उसमें एक खतरा भी है। क्या है कि भाई जो है आपका जो, अगर मान लीजिए रेंज की बात करते हैं, ठीक है, तो रेंज है, अब इसमें दुश्मन का एरिया भी है जो आ गया, तो अगर हम कोई बात कर रहे हैं कि भाई दुश्मन आगे इस तरफ है या उस तरफ है, तो बंदे
को सुनाई नहीं दी जाएगी बात, तो डेटा लीक होता है कहने का मतलब है यहाँ पर। तो फिर हम क्या किस में बात कर रहे होते हैं, कोड में बात कर रहे होते हैं, तभी तो आए दिल मांगे मोर। तो हम ऐसे कोडिंग वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं जिससे दुश्मन को ये पता ना चले, तो अगर हमारा डेटा बीच में लॉस्ट भी हो रहा है तो सामने वाले को समझने में थोड़ा टाइम लगे कि अच्छा बात किसके बारे में है जो चल रही है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि इनसिक्योर भी है अगर हम बात कर लें। तो अगर वॉकी टॉकी की बात करें, तो अगर ए ऑब्जेक्ट यहाँ है और बी ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो बीच में अगर मान लो किसी और को नहीं भी बात सुनानी है तो भी उसको जो है डेटा हमारा उसके तरफ तक है जो पहुंच सकता है। तो फिर ऐसे में हम कोड वर्ड में बात करते हैं, दिल मांगे मोर, है ना। फिर आगे चलते हैं और कहता है कि रेडियो वेव्स की बात होती है, कैन ईजिली बेंड अलॉन्ग माउंटेन्स। हाँ, इसका एक प्रश्न भी आपके पास में पेपर के अंदर आता है कि हिली एरियाज के अंदर ज़्यादातर किसको प्रेफर करते हैं, तो हम प्रेफर कर रहे होते हैं किसको, रेडियो वेव्स को। ऐसा क्यों है, क्योंकि मान लो इस पहाड़ पर हूँ, इस पहाड़ पर हूँ, इस पहाड़ पर हूँ, तो मेरी गाड़ी इस पहाड़ से इस पहाड़ तक चली चली चली। अब गाना जो यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक भी चले जा रहा है, तो यानी कि इस की रेंज के नीचे जितनी गाड़ियाँ जितने घर आ रहे हैं उन सब में वो रेंज है जो पकड़ पा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ओमनी डायरेक्शनल है। ऐसा नहीं है कि दोनों ऑब्जेक्ट का सामने है जो मौजूद होना ज़रूरी है। सो रेडियो वेव्स आर प्रोपोगेटेड इन ऑल डायरेक्शन, देयर फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीनाज डू नॉट हैव टू बी अलाइंट। तो दोनों को मतलब आपस में जो है अलाइन होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये ओमनी डायरेक्शनल है। ठीक है, तो जितनी भी इस दायरे में रेंज में जितने भी एफएम रेडियो जो भी आ रहा है तो वो घर के अंदर और बाहर आपकी रेंज है जो पकड़ पा रहे हैं। रेडियो रिसीवर्स कैन कैच द सिग्नल इनसाइड बिल्डिंग ऑल्सो, बिल्कुल बिल्डिंग के अंदर भी, बिल्डिंग के बाहर भी, आउटडोर इनडोर दोनों में रेंज पकड़ी जा रही। इनएक्सपेंसिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन रेडियो वेव्स आर द मोस्ट इकोनॉमिकल वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। बिल्कुल ये सस्ता है, चीपर आप किसको कह सकते हो फाइबर ऑप्टिकल के मुकाबले, तो ये जो है हमारा वायरलेस के अंदर सबसे सस्ते के अंदर है जो बोला जाता है या माना जाता है या कह सकते हो। अब आगे बात करेंगे माइक्रोवेव के बारे में, इस माइक्रोवेव की बात नहीं हो रही जो हमारे किचन के अंदर है, हम इस माइक्रोवेव की बात कर रहे हैं जो कि हमारा ट्रांसमिशन के अंदर यूज होता है। कहता है कि आर हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स दैट कैन बी यूज टू ट्रांसमिट डेटा वायरलेसली ओवर डिस्टेंस, ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी है तब हम इसका यूज़ कर रहे होते हैं। अब इसमें क्या आता है कि स्ट्रेट लाइन के अंदर आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है, कैन नॉट पेनिट्रेट एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट, देयरफॉर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस माइक्रोवेव कम्युनिकेशन हाई टावर्स आर बिल्ट एंड माइक्रोवेव एंटीनाज आर पुट ऑन दियर टॉप। तो बिल्कुल एक एंटीना इधर है, एक एंटीना इधर है, अब इनको आपस में इतना प्यार होता है ना कि ये आपस में देख ही रहे होते हैं एक दूसरे की तरफ। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्ट्रेट लाइन के अंदर आपका डेटा है जो ट्रांसफर हो रहा होता है। ठीक है, अब इसमें आगे चलेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमीटर रिसीवर, बिल्कुल एक जगह से ट्रांसफर हो रहा होता है, एक जगह से रिसीव हो रहा होता है, तो बहुत ऊंचाई पर इनको लगाया जाता है ताकि बीच में कोई ऑब्जेक्ट ना आ जाए। तो अगर एक जगह से दूसरी जगह डेटा भेजेंगे तो दोनों आपस में रिसीवर और सेंडर हैं जो दोनों देखते हुए होने चाहिए, मतलब दोनों का फेस है जो एक तरफ होगा, तो रिसीव सेंडर सेंड कर रहा होगा, रिसीवर रिसीव कर रहा होगा। यूज टू ट्रांसमिट सिग्नल सच एज मोबाइल फोन कॉल्स, तो उनके अंदर हमारा यही है जो यूज हो रहा होता है, यूनिडायरेक्शनल होते हैं, कैन मूव इन ओनली वन डायरेक्शन, यूज टू पॉइंट कम्युनिकेशन, दोनों ऑब्जेक्ट सामने होने चाहिए जैसे कि कुछ इस तरीके से है। ठीक है, जैसे कि कुछ इस तरीके से है, तो आपको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है दूसरा ऑब्जेक्ट है, मतलब जो है दोनों ट्रांसमिशन जो है एक दूसरे की तरफ है, तो हमारा जो है एकदम लाइन ऑफ साइट ट्रांसफर हो रहा है डेटा। तो अब देखिए क्या है, बीच में दोनों के पहाड़ आ गया, अब पहाड़ से इसने इसको भेजा, इसने इसको भेजा, तो इस तरीके से टर्मिनल बी तक इन्फॉर्मेशन है जो आपकी पहुंच पा रही है। अब आगे बात करते हैं वायरलेस के बारे में, यूज़ फॉर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, बिल्कुल लंबी दूरी के लिए, अगर हम धरती के इस हिस्से में, धरती के उस हिस्से में डेटा की ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सैटेलाइट है जो ऑफ कोर्स यूज़ हो रहा होगा। इट कवर लार्ज एरिया ऑफ अर्थ, एक्सपेंसिव भी है, ऐसा तो नहीं है कि मैं कह दूं कि भाई मुझे डेटा ट्रांसफर करना तो अपना सैटेलाइट, नहीं ऐसा नहीं है, तो कहने का मतलब इतना सा कि भाई ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, तो बिल्कुल गवर्नमेंट है जो बीच में आती है, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, तो फिर जा करके सैटेलाइट है जो इस्टेब्लिश हो पाते हैं। देन अगर बात करेंगे तो लीगल परमिशन की ज़रूरत है जो ऑब्वियसली इसके लिए पड़ती है, एंड कुछ इस तरीके से ये हमारे जो है वायरलेस मीडियम है और वायर्ड मीडियम है जिसके बारे में आज हमने यहाँ पर डिस्कस है जो किया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं किस्से की तरफ, और किस्सा कहता है नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें दे दो। तो चलिए बात करेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस, तो हमारे पास में है जी हब है, स्विच है, राउटर है, ब्रिज है, गेटवे है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर है और रिपीटर है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे करेंगे, नहीं क्वेश्चन नहीं, पहले हम चीज़ों के बारे में जान लें, क्योंकि 9:45 पर हमारी क्लास है, वहाँ पर हम कर लेंगे क्वेश्चंस को,
तो जब आगे बढ़े तो हमारे पास बात आती है जी डिवाइसेस के बारे में। तो डिवाइसेस हम लोग यहाँ पर फिजिकल डिवाइसेस, हार्डवेयर डिवाइसेस की बात करने वाले हैं, जो कि हमारे दो नोड या फिर दो डिवाइसेस या दो से ज़्यादा के बीच में हम किस तरीके से इंटरैक्ट कर सकते हैं। अगर डेटा मुझे यहाँ से यहाँ भेजना है तो कौन कौन से ऐसे डिवाइस हैं जिनकी मदद है, जो ली जा सकती है। तो कहते हैं कि कॉमन डिवाइसेस की लिस्ट आपके सामने है, जो कि ये है। अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम मॉडेम का नाम है जो दे देते हैं। तो मॉडेम आपने देखा और सुना, दोनों चीजें होंगी। तो देखिए, बात ऐसी होती है कि यहाँ पर जी हमारा सेंडर है जी, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास हमारा रिसीवर है। अब बात ऐसी होती है कि हम जिन सिस्टम्स का यूज करते हैं, हम डिजिटल सिस्टम्स का यूज करते हैं, और यहाँ पर सिग्नल्स ऑन या ऑफ हो रहे होते हैं। तो अगर हम ईजी भाषा में कहें तो हमारे कंप्यूटर्स को 0 और 1 की भाषा समझ में आती है, डिजिटल भाषा समझ में आती है। तो यहाँ पर हमारे पास कहने का मतलब है कि डिजिटल सिग्नल्स चल रहे होते हैं। ऑफ है तो हमने 0 बोल दिया, ऑन है तो 1 0 1 0 1, ठीक है। अब ऐसी चीज है कि हमारे जो सिस्टम्स हैं उनके अंदर डिजिटल सिग्नल्स चल रहे होते हैं, लेकिन जब हम अपने इंटरनेट की बात करते हैं तो यहाँ पर तो हमारे जो है एनालॉग सिग्नल्स जा रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास में डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। तो अब ये बात है जो आपस में हो कैसे पाए। ये कुछ ऐसा एग्जाम्पल नहीं आपको लग रहा है कि इधर कुछ मित्र है और इधर एक मित्र है, इसको पंजाबी आती मेरी तरह और इसको जो है कोई भी और लैंग्वेज हम कह देते हैं जो इंग्लिश आती है, ठीक है। अब ये पंजाबी के अलावा कुछ बोल समझ नहीं पाएगा, ये इंग्लिश के अलावा कुछ बोल समझ नहीं पाएगा। तो यहाँ पर ये आपस में किस तरीके से हैं जो बात कर पाए। तो इसी बात को आने के लिए हम बीच में लेकर के आते हैं हमारे मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर को। तो बात ऐसी होती है कि मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर भी यही चीज़ कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? हमारे एनालॉग को डिजिटल, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो आसान भाषा में अगर हम समझें, इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें किताबी भाषा भी, तो कहता है कि इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग फॉर ट्रांसमिशन ओवर टेलीफोन लाइंस मॉड्यूलेशन एट द रिसीविंग एंड। अ मॉडेम परफॉर्म्स द रिवर्स फंक्शन एंड कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल्स इनटू डिजिटल। देखिए, दो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, डिजिटल और सॉरी मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ठीक है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। तो मतलब ये दो चीज़ों से मिलकर के बना है आपका मॉडेम। तो यानी कि मो से बना मॉड्यूलेटर, डी से डीईएम से बना डीमॉड्यूलेटर। तो देखिए, हमारे इंटरनेट पर चलते हैं जी एनालॉग सिग्नल्स, हमारे सिस्टम्स को समझ में आते हैं जी क्या डिजिटल सिग्नल्स। तब ऐसी बात है कि हमने यहाँ पर मॉडेम है जो लगाया होगा, तो वो हमारे सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा, और जब रिसीवर के पास में हमारा मैसेज जाएगा तो वहां पर भी जो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होगा वो इस चीज को वॉइस से वर्सा यानी कि एनालॉग से दोबारा डिजिटल में कन्वर्ट कर दे, ताकि उसके वाला जो सिस्टम है वो इसकी भाषा को समझ पाए। अब देखिए, यहां पर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर जो दो शब्द यूज होते हैं, इनका अलग अलग काम है। पढ़ते हैं इसको। यहां पर कहता है कि इट इज ए हार्डवेयर कॉम्पोनेंट दैट अलाउ अ कंप्यूटर ऑफ अनदर डिवाइस सच एज राउटर और स्विच टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। पढ़ते हैं, कहते हैं कि एज वी नो फोन लाइन्स वर्क ऑन एनालॉग सिग्नल्स व्हाइल कंप्यूटर वर्क्स ऑन डिजिटल सिग्नल्स। तो अगर मैं बोल भी रही हूँ तो ये भी क्या है? एनालॉग सिग्नल्स है। अब ये कहते हैं कि रोल ऑफ मॉडेम इज टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सो दैट इट कैन बी कैरिड बाय द टेलीफोन लाइंस एंड अदर साइड इट अगेन कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल्स टू द डिजिटल फॉर्म। तो ये वही किताबी भाषा जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई है। तो देखिए, बात को समझिए, यहाँ पर बात को समझिए कि मैंने डेटा यहाँ से यहाँ पर है जो भेजना है। अब यहाँ से ये जो डिजिटल सिग्नल्स हैं मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर के थ्रू एनालॉग में कन्वर्ट होंगे, आएंगे आएंगे आएंगे, यहाँ पर फिर से इनको एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर उस समझने वाले सिस्टम के थ्रू इसको समझा जाएगा। इसमें जो बेसिकली हमारे दो शब्द यूज हो रहे हैं, कौन सा? एक हो रहा है मॉड्यूलेटर, दूसरा हो रहा है डीमॉड्यूलेटर। तो देखिए, मैंने इसको अपने कॉलेज टाइम में डैड से याद कर रखा था, ठीक है, और पीछे कौन सा बचा? एम। तो इसको हमने एम डी ए से याद कर रखा था, ठीक है, इक्वल्स टू डाल देते हैं। अब देखो, मैंने कैसे क्यों याद किया है, क्योंकि इसमें मॉड्यूलेटर क्या करता है? डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, और डी मॉड्यूलेटर क्या करता है? एनालॉग को वाइस वर्सा किसमें? डिजिटल में कन्वर्ट करता है। तो मॉड्यूलेटर डिजिटल इंटू एनालॉग और डी मॉड्यूलेटर एनालॉग इंटू डिजिटल, ठीक है। तो यानी कि क्या 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 क्या, पीछे चलें, यस 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 यस, यहाँ पर जो है ये दो हिस्सों से बनकर के बना है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। तो हमारे पास में देखिए, हमारा जो डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट होगा,
फिर जाएगा एनालॉग वापस से यहाँ पर से कन्वर्ट होगा डिजिटल में। तो देखिए यहाँ पर जो जो है, देखो यहाँ पर भी मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर मेन जो आएगा क्योंकि डेटा भेज रहे हो तो डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना है, ये काम मॉड्यूलेटर के थ्रू होगा। और वापस से एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना है तो डीमॉड्यूलेटर से वो काम हो रहा होगा। तो जब ये यहाँ से भेजेगा डेटा तो डिजिटल से एनालॉग है तो मॉड्यूलेटर फॉर्म में आएगा, उधर से रिसीव करते टाइम मॉड्यूलेटर फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है मॉड्यूलेटर डिजिटल से एनालॉग और डीमॉड्यूलेटर एनालॉग से वापस डिजिटल में कन्वर्ट है जो करेगा, ताकि मशीन समझ पाए कि क्या समझने वाली चीज है, क्या डेटा भेजा है। तो हमने मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इंटरनल भी देखा है, एक्सटर्नल कुछ इस तरीके से देखा होगा। अब ईथरनेट कार्ड की बात कर लेते हैं, यानी कि हमारे NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जिसके ऊपर मैक एड्रेस है जो बिल्कुल छपा होता है। तो मैक एड्रेस होता है जी हार्डवेयर एड्रेस, हमारी मशीन का एड्रेस जो दुनिया में बिल्कुल यूनिक होगा। तो मैक एड्रेस का कहने का मतलब यहाँ पर इतना सा कि जब आपका कंप्यूटर लैपटॉप मैन्युफैक्चर हो रहा होता है तो आपकी जो मैन्युफैक्चर कंपनी है उस मशीन को एक इंडिविजुअल एड्रेस देती है जो दुनिया में आपका आपका जो एड्रेस है वो सबसे यूनिक होगा। ठीक है, तो ये हमारी मशीन का एड्रेस है, कौन सा, इसके ऊपर हमारा जो है एड्रेस लगा होता है, कौन सी, हमारी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर। इसी को हम ईथरनेट कार्ड के नाम से भी है जो जानते हैं। इसी के पीछे हमारी जो है ईथरनेट केबल, हमारी लैन केबल है जो लगती है, और ये हमारा RJ45 कनेक्टर हमारी हेल्प है जो इसमें करता है। तो हम अगर इसमें नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के साथ में जोड़ते हैं तो तब हमारा सिस्टम है जो नेटवर्क से कनेक्ट है जो हो पाता है। आगे चलते हैं और स्विच और हब के बारे में बात करते हैं। तो देखिए हमने कंप्यूटर बहुत सारे ले लिए, अब आपस में इनको जोड़ेंगे कैसे, भाई हमें स्विच की या हब की जरूरत है जो यहाँ पर पड़ेगी। अब इनके पीछे क्या होते हैं, पोर्ट लगे होते हैं, तो हर सिस्टम को हम इसके साथ में है जो पोर्ट्स के अंदर लगा देते हैं। ठीक है, और आगे जो स्विच या हब होते हैं वो आगे किसी रूटर के साथ में जाकर के कनेक्ट हो रहे होते हैं। तो देखिए हब का यूज होता है जब हमें कुछ इस तरीके से हो कि हमें अपने मैसेज को ब्रॉडकास्ट कराना है, और स्विच का हम यूज तब कर रहे होते हैं जब हमें मैसेज ब्रॉडकास्ट की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोनों में ये एक डिफरेंस है, इसीलिए स्विच को एक इंटेलिजेंट हब का नाम है जो दिया गया है, क्योंकि वो सिर्फ इंटेंडेंट जो नोड है जहां पर आपको डेटा भेजना है वहीं पर भेज रहा होता है। लेकिन हब का काम क्या हो जाता है, हब क्या करता है, मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देता है। जैसे कि मान लो अभी हमारी क्लास हो रही है तो मैंने टेलीग्राम पर सबको इंडिविजुअली मैसेज तो नहीं भेजा, मैंने क्या किया, ब्रॉडकास्ट कर दिया। मैंने जो अपना जो टेलीग्राम का अपना जो है अकाउंट ओपन किया, उसके थ्रू मैंने आप सबको एक ही साथ में मैसेज कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट। जैसे मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी हैं, उनको अगर हमें कोई जो है जानकारी देनी है देश से रिलेटेड, है ना, चीज़ें जो कोई भी वो हमें हमसे कोई चर्चा कर रहे हैं, जब परीक्षा पे चर्चा मान लो हो रही है रेडियो के ऊपर, है ना, तो कोई बात है जो कर रहे हैं तो वो रेडियो से हमें ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, तो सारे देशवासियों को जो उनका संदेश जा रहा है वो सबको समान जा रहा है। बट मान लीजिए उनको कोई एक मुद्दे पर बात करनी है जो ऑफकोर्स वो सबसे नहीं करेंगे, है ना, तो उनको मान लो जो है किसी से बात करनी है आर्मी के किसी ऑफिसर से, तो बिल्कुल वो उनको फ़ोन करके पर्सनली जो बात करेंगे, तो ये इंटेंट टू इंटेंट हो गया, तो ये चीज़ स्विच हो गए। तो अगर ब्रॉडकास्ट हो रहा है मैसेज यानी कि सबको, तो वो हो गया हमारा हब। तो इसीलिए हब को डम डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है और हमारे स्विच को इंटेलिजेंट डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। स्विच के अंदर क्या हो गया कि एक नोड से डेटा सारी नोड को नहीं जाता है, तो आपकी इंटेंडेंट नोड को जाता है स्विच के अंदर, लेकिन हब के अंदर वही मैसेज आपका ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है। तो जैसे मान लीजिए हमने ये स्विच या हब है जो यहाँ पर लगाया है, तो अगर मैंने स्विच लगाया तो इसके साथ एक कनेक्टर, दूसरा कनेक्टर, तीसरा, और अगर ये मान लीजिए एक स्विच है, ठीक है, तो स्विच से अगर मैं डेटा इससे इसको भेज रहे हैं तो इसी को जाएगा। ठीक है, मतलब इंटेंडेंट नोड ही है जो रिसीव कर पाएगी। बाकी अगर हम यहाँ पर अगर बात कर लेंगे किसकी, हब के बारे में, तो हब क्या है, हब हमारा वो एक ब्रॉडकास्ट दोस्त है जिसके पेट में कोई बात नहीं पचती है। तो अगर यहाँ से मैसेज यहाँ जाना है तो इसके साथ में जितने भी और नोड कनेक्टेड होंगी तो ये सबको उस बात के बारे में जानकारी है जो दे रहा होगा। ठीक है, तो यानी कि अगर मुझे छुट्टी का मैसेज आया मेरे बॉस की तरफ से तो वो सबको जाएगा, है ना। अगर मैं पर्सनली बॉस से बात करना चाहती हूँ या बॉस मेरे से करना चाहता है किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में, तो पर्सनली फोन कॉल है जो होगा। लेकिन अगर ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तो हम ब्रॉडकास्ट करें यानी कि सबको उससे कनेक्टेड जो भी है उन सबको वो बात या चीज़ है जो पता चल रहे होगी। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब है कि हम स्विच या हब का यूज़ कर रहे होते हैं जब हमारी नोड्स को हम कनेक्टेड करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ में। तो इसमें आगे एग्जाम्पल आते हैं हमारे पास में एक्टिव हब और पैसिव हब। एक्टिव हब हमारा बिल्कुल क्या है, हम रिपीटर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, किसके बारे
बारे में रिपीटर की, एक्टिव हब आर स्मार्टर हब विच हैव कैपेबिलिटी टू गिव स्ट्रेंथ द सिग्नल्स. देखिए बात यहाँ पर हो रही है, आपने रिपीटर सुना है, रिपीटर का ही काम है जो यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि हमारे सिग्नल्स क्या हो रहे हैं, बेसिकली एम्पलीफाई हो रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, तो मेरा यहाँ पर अगर कहें कि भाई एक सोर्स डेस्टिनेशन है और यहाँ पर सोर्स है, यहाँ से सिग्नल्स के थ्रू हमारा डेटा है जो जा रहा है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर दूरी लंबी है तो क्या हो जाएगा, सिग्नल्स वीक हो जाएंगे. तो ऐसे में रिपीटर हमारी हेल्प करता है. वही चीज़ यहाँ पर एक्टिव हब के थ्रू है जो हो रही है. तो हमारी जो वीक हो रहे सिग्नल्स होते हैं उनको बूस्टअप कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है कौन सा हमारा एक्टिव हब. लेकिन यही चीज़ होती नहीं है पैसिव हब के अंदर. वो जिस से आपके सिग्नल्स आ रहे होते हैं जिस स्पीड से, वो उसी स्पीड से आके भेज देता, तो इसमें कोई भी एम्पलीफाई नहीं होता हमारा. तो ये हमारा इसीलिए पैसिव हब और एक्टिव हब दो इसके आगे फर्दर यूज या एग्जाम्पल हो गए. सो अगर स्विच की बात करें तो ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अ स्विच इज एबल टू हैंडल द डेटा एंड 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 नोन द स्पेसिफिक एड्रेस. तो बेसिकली खत्म होती हुई शुरू होती हुई बात यही है कि आप इसको पढ़ लेना, मैं आपको जो है इसको दोबारा बोल करके बता देती हूँ. तो अगर स्विच की बात कर रहे हैं तो इससे अगर हमारे डिवाइस कनेक्टेड हैं तो क्या होगा, अगर इंटेंडेड नोड इसको मैसेज भेजना चाहते हैं, मतलब एक नोड से दूसरी नोड पर डेटा जा रहा है, तो जो इंटेंडेंट है जिसकी तरफ मुझे डेटा भेजना है, जिसको भेजना है उसी को डेटा जाएगा, बाकी रिसीव है जो नहीं कर पाएंगे. लेकिन यहीं पर अगर इसकी बात करें हब की, तो हमारा डेटा है जो ब्रॉडकास्ट हो रहा होगा, हमारी सारी नोड्स को डेटा है जो मिल जाएगा. तो इसलिए हब के अंदर ट्रैफिक जनरेट हो जाता है, स्विच के अंदर ट्रैफिक जनरेट नहीं होता है, क्योंकि वो फालतू का ट्रैफिक जनरेट होने नहीं देती है, क्योंकि एक से दूसरे को ही डेटा जा रहा होता है, बाकी रिसीव नहीं कर पा रहे होते हैं. अब बात करेंगे रिपीटर के बारे में. तो रिपीटर यहाँ पर किस तरीके से काम है जो करता है, फर्दर रिपीटर की बात हो रही है, तो देखिए नाम में काम है जो छुपा हुआ है. अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू अगर समझें, तो मान लीजिए मैं यहाँ हूँ, मान लो एक और दोस्त है, भाई बंद हो जा. तो देखो एक और दोस्त है, ठीक है, हमारा कोई दूसरा दोस्त है, उसने पार्टी रखी. ठीक है, अब ये दोस्त है जी कानपुर वाले. ठीक है, एक आधा दोस्त हमारा होता है ना कानपुर लखनऊ, है ना, तो ये मान लो लखनऊ वाले हैं और ये मान लीजिए पुणे वाले दोस्त हैं. ठीक है, ओके, तो ये तीनों दोस्त हैं. अब यहाँ इसका गांव है जी नागपुर, मान लीजिए बहुत दूर है. ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि भाई जाने में टाइम है तो लगेगा ही लगेगा, है ना, तो दूरी है जो लंबी है. अब ऐसा है कि ये अपने घर से जब चले तो चले तो चले तो अब क्या होगा कि बीच बीच में क्या करेंगे, रेस्ट करते हुए रुक रुक करके जाएंगे, एनर्जी वनर्जी मतलब ग्लूकोज वगैरह पियेंगे, फिर उठेंगे, फिर चलेंगे, फिर उठेंगे, फिर चलेंगे. लगातार तो नहीं जा सकते क्योंकि दूरी ज़्यादा लंबी है. वही चीज़ यहाँ पर हो गई कि अगर मेरी डेस्टिनेशन यहाँ पर है और मेरा सोर्स यहाँ पर है तो दूरी क्या है, लंबी है. अब लंबी दूरी को जब तय करना होगा तो सिग्नल्स वीक नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे. तो ऐसे में हम यूज़ कर रहे होते हैं किसका, रिपीटर्स का. तो रिपीटर्स क्या करते हैं, जो सिग्नल्स वीक हो रहे होते हैं उनको रीट्रांसमिट कर देते हैं, ताकि जिस फॉर्म में हमारा डेटा आया था उसी फॉर्म में वो आगे रिसीवर तक भी है जो पहुंच पाए, राइट. तो बीच में हमारा डेटा लॉस्ट नहीं होना चाहिए, रीट्रांसमिट करने का काम रिपीटर का होता है. कहते हैं कि व्हेन द डेटा ट्रांसमिशन ओवर अ नेटवर्क फॉर लॉन्ग डिस्टेंस द डेटा सिग्नल गेट वीक्स ड्यू टू एट्यूनेशन, अ रिपीटर रीजनरेट द रिसीव्ड सिग्नल्स एंड रीट्रांसमिट इट टू इट्स डेस्टिनेशन. तो ये जो भाग्य वाला काम होता है ये हमारे रिपीटर्स का होता है. राउटर्स, नाम से काम को समझो, क्या कहता है, राउटर रूट डिसाइड करने वाला. तो मान लीजिए ये है जी हम और ये है जी केक वाले भैया, जहाँ से हमने केक को ऑर्डर किया. केक वाली दुकान कहती है कि हम आधे घंटे में केक तुम्हारे घर पर जो है भिजवाएंगे, नहीं तो केक फ्री दे देंगे. अब ये जो डिलीवरी बॉय है इसके ऊपर बड़ी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि अच्छा अच्छा मुझे आधे घंटे में पहुँचाना, नहीं तो मेरी सैलरी कट जाएगी. अब ऐसा है कि ये रूट डिसाइड करता है. रूट डिसाइड करने वाला कौन, ये तो ये रूट डिसाइड करता है. ये कहता है कि अच्छा अगर मैं इस रास्ते से जाऊँगा तो मैं 15 मिनट में पहुँच जाऊँगा. हालाँकि ये थोड़ा हाईवे का रास्ता है बट फिर भी 15 मिनट है. लेकिन इसको एक शॉर्टकट भी पता है, शॉर्टकट है पतली गली से निकल जा भैया. तो 15 मिनट की बजाय ये है जो 5 मिनट में पहुंच सकता है. लेकिन दिक्कत क्या है कि ये जब गूगल मैप खोलता है ना तो इसको पता चलता है कि यहाँ बहुत सारा ट्रैफिक है और इतना ट्रैफिक है यहाँ पर कि वो 5 मिनट ना 1 घंटे में तब्दील हो सकते हैं. अब ये क्या प्रेफर करेगा, अब ये कौन है जी रूट डिसाइड करने वाला. तो ये रूट डिसाइड करेगा कि यहाँ से देरी बेशक लग जाए लेकिन 15 मिनट श्योर तो है क्योंकि हाईवे का रास्ता है और यहाँ से मेरा जो है केक डिलीवरी हो जाएगी 15 मिनट में,
है ना। लेकिन यहाँ से कोई नहीं है चांस क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा जी, बिल्कुल यहाँ से 15 मिनट वाला रास्ता है जो अपना करके पहुँच जाएगा। तो बेसिकली बात यहाँ पर इतनी सी हो रही है कि रूट डिसाइड करने वाला कौन, ये है। तो कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना हुआ कि जब यहाँ से डेटा यहाँ जाना है तो हमारा जो डेटा है वो पैकेट्स में डिवाइड होगा, तो वो पैकेट्स किस रूट से होते हुए हमारी डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे, तो ट्रैफिक कहाँ पर कम है, ये सारी चीज़ें कौन पता कर रहा होता है, रूटर। तो रूट से हमारे पैकेट्स हैं जो ट्रांसफर हो रहे होते हैं, ठीक है। रूटर इज़ ए डिवाइस लाइक स्विच की तरह होता है दैट रूट्स डेटा पैकेट्स बेस्ड ऑन दियर आईपी एड्रेस। तो जहाँ जिसको भेजना है तो वो उस तरीके से उनको रूट से आपका डेटा है जो भेज रहा होता है। अब गेटवे की बात कर ले, तो गेटवे यानी कि गेट लगा हुआ है, तो यहाँ कोई एक देश है और यहाँ कोई दूसरा देश है, तो यहाँ बीच में एक गेट है, तो यानी कि जो है हम इधर से उधर है जो जा रहे हैं। तो बेसिकली मैं क्या कह रही हूँ, गेटवे के लिए यहाँ एग्जांपल देते हैं, दो डिससिमिलर, यहाँ एक देश है और यहाँ दूसरा देश है, दो डिससिमिलर नेटवर्क्स को जोड़ने का जो काम करता है वो हमारा गेटवे कर रहा है, तो कर रहा होता है। तो गेटवे एक ऐसा डिवाइस है विच इज़ यूज टू कनेक्ट डिससिमिलर नेटवर्क्स, ठीक है। डिससिमिलर नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने का काम है जो हमारे गेटवे भाई साहब है जिनका हो रहा होता है। तो इधर कोई और टोपोलॉजी यूज़ हो रही होती है, इधर कोई और टोपोलॉजी हो रही होती है, तो जब हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं हमारे डेटा को, तो बीच में ये जो किस्सा कहानी है ये गेटवे के थ्रू है जो परफॉर्म हो रही होती है। तो बस इतनी सी कहानी, इतनी सी बात हमारे नेटवर्क डिवाइसेस की। अब हम चलते हैं आगे वाले टॉपिक के ऊपर, चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क के अंदर आपके पास में मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया और लोकल एरिया नेटवर्क, सो यानी कि लैंड मैन, पैन वैन वैन सारे आते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क के अंदर। तो अभी हम लोग टाइप्स ऑफ नेटवर्क की जो बात कर रहे हैं वो एरिया के बेसिस पर हम टाइप ऑफ नेटवर्क को डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए, जब हम बातों को सुनते हैं बहुत ही ध्यान से, तो देखिए एरिया ऑफ नेटवर्क के अंदर आपके पास सबसे पहले आता है जी पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो देखो, नाम से काम को समझो, सुनो कि क्या चीज़ है पर्सनल, यानी कि मेरा खुद का नेटवर्क, ठीक है। पर्सनल एरिया, पर्सनल एरिया के अंदर जो नेटवर्क यूज हो रहा है तो वो पर्सनल एरिया नेटवर्क है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि इसकी जो रेंज है, जो दूरी है, जो एरिया है वो बहुत ही कम है। तो कम कितना सा कम, अगर हम एग्जांपल ले इसका, तो देखो अगर हम एक ही घर की, एक ही बिल्डिंग की बात करते हैं, एक ही घर के अंदर एक ही कमरे की बात कर रहे हैं, तो मान लो ये मैं हूँ, ये मेरा मोबाइल है, मेरा भाई है, उसके पास लैपटॉप है, उसके पास नई नवेली कोई मूवी आई है, मान लो पठान है लेकर के आया, तब मैं क्या करूँगी कि मेरे मोबाइल से लेकर के उसका लैपटॉप, ठीक है, तो कनेक्ट करेंगे और फिर हमारा डेटा है जो एक दूसरे से ट्रांसफर करेंगे, यानी कि वो मेरे फोन में मेरी मूवी या फोटोज जो भी है जो भेज रहा होगा। तो यहाँ पर जो एरिया कवर हो रहा है वो कितना हो रहा है, पर्सनल एरिया कवर हो रहा है। तो मेरा लैपटॉप, मेरा मोबाइल, मेरा इंडिविजुअल नेटवर्क है, है ना। तो कोई और तो नहीं है जो यहाँ पर शेयर कर रहा है, एरिया कोई बड़ा तो नहीं है कि हमारे नेटवर्क मतलब हमारा तो नेटवर्क हम यूज़ कर ही रहे, पड़ोसी भी यूज़ कर रहे हैं, नहीं ना, है ना। तो क्या हो गया, ये पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। तो रेंज, जो दूरी है वो बहुत ही कम है, एक के पास मोबाइल है, एक के पास लैपटॉप है, या दोनों मोबाइल हो सकते हैं, दोनों लैपटॉप हो सकते हैं, है ना। तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं गाइडेड, अनगाइडेड। लेकिन जो क्षेत्र, जो एरिया यूज़ होने वाला है वो कौन सा है, पर्सनल एरिया यूज़ होगा। तो ये 10 मीटर के आसपास तो बहुत लंबा हो गया, आपकी बुक्स में दे रखा है, बट आप इतने नहीं, आप कह लो कि भाई एक कमरा, ठीक है। तो यस, तो ये हमारा क्या हो गया, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो पर्सनल मतलब मेरा, मेरा, मेरे से ताल्लुकात करता हुआ, मैं पैसे भर रही हूँ ना उसके, है ना। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क, तो मेरा ब्लूटूथ इज़ द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस, कि आपके पास में आपका मोबाइल है, मोबाइल से आप अपने अपने ही लैपटॉप या अपने ही कंप्यूटर के अंदर डेटा ट्रांसफर या जो भी हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, आपका एरिया कवर हो रहा है, पर्सनल एरिया, तो विच इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर आता है। अब बहुत सारे पैन है जो मिलकर के किसको बनाते हैं, जो लैन को बनाते हैं, तो बात करते हैं किसकी, लोकल एरिया नेटवर्क की। तो लोकल एरिया नेटवर्क की जब आपके पास में बात होती है तो ये स्प्रेड हो जाता है, एक से आप कह सकते हो कि एक कमरा आपका जो हो रहा है यूज़ हो रहा है, है ना, कमरा, कमरे से आप बाहर आ गए, यानी कि एक बिल्डिंग भी आ गई, एक कैंपस आ गया, एक रेलवे स्टेशन आ गया, आप कह सकते हो एक स्कूल आ गया, है ना। तो एक ऑफिस आ गया, एक बिल्डिंग हो गई पूरी की पूरी। तो कहने का मतलब है कि एरिया बढ़ गया, तो उसके अंदर जो आने वाले लोग हैं वो भी शामिल ज़्यादा हो गए। एक साइबर कैफ़े का एग्जाम्पल ले सकते हो, क्योंकि साइबर कैफ़े के अंदर मैं भी यूज़ कर रही हूँ, बहुत सारे और भी लोग हैं जो यूज़ कर रहे हैं, एरिया थोड़ा सा बड़ा हो गया, ऑफिस में, स्कूल में टीचर्स भी यूज़ कर रहे हैं, बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं, हम सब यूज़ कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर, है ना। तो एरिया क्या हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं बढ़ा है। तो लोकल एरिया, हमारी लोकेलिटी के अंदर अंदर, है ना, तो वो क्या हो गया, हमारा लोकल एरिया के अंदर आ गया हमारा नेटवर्क। तो जिसके अंदर आप कह लो बिल्डिंग हो गए, स्मॉल स्मॉल ऑफिस हो गए, तो ये सारे के सारे इन्वॉल्व हो गए। तो जैसे एग्जांपल, एक स्कूल
का, एक ऑफिस का आप यहाँ पर ले सकते हो, तो जो रेंज जो दायरा है वो एक एक एक, एक पर्टिकुलर एक आप कह लो कि ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, स्कूल आप एग्जाम्पल ले सकते हो, एक घर ले सकते हो, है ना। तो ये क्या हो गया आपके उसके लैंड के एग्जाम्पल हो गए। बहुत सारे लैंड मिलकर के एक मैन बना रहे होते हैं, तो यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर सिटी की बात होने लग गई, तो यानी कि आपका जो लोकल एरिया यूज हो रहा था उससे बाहर जा करके अब और एरिया है जो कवर हो पा रहा है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोल दिया। तो यानी कि हम एक सिटी की बात कर रहे हैं, विद इन अ सिटी हमारा एरिया है जो कवर हो रहा, तो क्या हो गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया। तो इसके अंदर की बात करेंगे तो कहेंगे कि बहुत सारे पैन मिलकर के लैन, बहुत सारे लैन मिलकर के हमारा मैन, बहुत सारे मैन मिलकर के वैन, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो सकता है वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ तो दूरी है ही नहीं, आप कह दो कि भाई कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट, कंट्री टू कंट्री हम जो है यूज कर रहे हैं नेटवर्क, है ना। तो जो स्प्रेड हो रखा है सिटी टू सिटी, आप कह सकते हो एक सिटी से दूसरी सिटी, एक कंट्री से दूसरी सिटी, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट, तो ये क्या हो गया हमारा वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। तो कह लो कि छोटे छोटे पैन मिलकर के लैन, लैन मिलकर के मैन, मैन मिलकर के वैन, ठीक है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था आपका किसका इसका आपका जो है टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। तो देखिए अब मैंने इसको वन शॉट में यहाँ पर लिख दिया है, तो आप इसको ज़रूर है जो कवर कर लेना यहाँ से। तो बात हो रही है यहाँ पर, तो स्मॉल एरिया है अप टू 10 मीटर के आसपास कह सकते हो। बस इसे इस आपने कोई ऐसा नहीं है कि कोई नाप लेकर के, कोई फीता लेकर के नाप रहा है कि यहाँ से लैन और मैन है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो आपको उसको पढ़ करके चीज़ अंडरस्टैंड होगी। तो हाई स्पीड है, नो एक्सपेंसिव है, आपके पास में लैन है फ्यू मीटर्स और ज़्यादा इंक्लूड हो गए, एरर रेट है जो इतनी ज़्यादा नहीं है, हाई स्पीड है, नॉट दैट मच एक्सपेंसिव। मैन की बात हो रही है, विद इन आप सिटी कह सकते हो और एंटायर सिटी हो सकता है, यहाँ पर हम कंट्री ले सकते हैं, यहाँ पर हम कॉन्टिनेंट ले सकते हैं, 100 किलोमीटर दायरा कह सकते हैं, मॉडरेट है स्पीड भी, एक्सपेंसिव भी मॉडरेट है। और फिर यहाँ पर मैन यानी कि हम कंट्री को इन्वॉल्व कर गए, हम सिटी टू सिटी आ गए, है ना। तो ये सारे के सारे आप इनमें से चीज़ें हैं जो बिल्कुल कवर कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, लैन मैन पैन वैन के बीच में एक अंतर हमने यहाँ पर है जो बिल्कुल किया। शुरू करने से पहले यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ जो कि आपको यहाँ पर बतानी बहुत ही ज़रूरी है, और वो ये है रिलेटेड टू आप लोगों के बिल्कुल अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो देखिए आप CBSE क्लास 11th 12th की तैयारी है जो कर रहे हैं, बोर्ड की तैयारी, बिल्कुल 11th से हमारी तैयारी है जो बिल्कुल शुरू हो जाती है, क्योंकि 11th ही है जो बेस बनती है क्लास 12th में, और 12th ही है जो बेस बनती है बिल्कुल करियर का। तो हम कहेंगे कि हमारी चीज़ें जो 11th से ही बिल्कुल स्टार्ट हो जानी चाहिए। अब देखिए आपके पास में देखिए अप टू 48% यहाँ पर डिस्काउंट, जो कि जिसके साथ में आपको जो है 3 मंथ सब्सक्रिप्शन भी है जो यहाँ पर फ्री मिल रहा है, जैसे कि 24 महीने और 3 महीने का, फिर 12 महीने और 2 महीने। तो देखिए आप इतना है जो सेव कर पा रहे होंगे और इतना है जो आप पे कर पा रहे होंगे इतने ड्यूरेशन टाइम के लिए, ठीक है। तो देखिए बच्चा, अब ऐसी बात है कि अगर आप अपनी तैयारी को ना एक बहुत ही जोरों शोरों से इत्मीनान से शुरू करना चाहते हैं, जोरों शोरों से इत्मीनान से, कुछ भी आप पॉजिटिव वर्ड है जो यहाँ पर ले लीजिए। तो देखिए अगर आपको कहने का मतलब है कि अगर आपको प्लस क्लास का वेट, यूट्यूब क्लास का वेट रहता है, आपको स्पेशल क्लास का वेट रहता है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर प्लस क्लास का वेट भी है जो रहेगा, क्योंकि प्लस में तो चीजें फिर प्लस के हिसाब से हो रही होंगी ना। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आ जाएगी कि यस आप प्लस के ऊपर हो, तो दैट मींस यू आर सीरियस हियर, है ना। तो अभी आपको सिर्फ है जो पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। तो बिल्कुल अगर आप ऐसा जो है एकदम तैयारी के मूड में आ चुके हो, तो यस आप 3 मंथ के साथ में ये सब्सक्रिप्शन है जो 24, 16 जो भी है 12 मंथ है ना, ये ले सकते हो। और देखिए अब ये डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप हमारा कोड है जो यूज करोगे, ठीक है। तो हम आपको अपना कोड बता रहे हैं जिसके थ्रू आपको ये डिस्काउंट है जो आपको मिल जाएगा। बाकी देखिए आपके PCM के लिए आपका फुल सिलेबस बैच 2024 देन 2024 है ना। तो देखिए कॉमर्स वाले बैच, और फिर आप लोगों का यहाँ पर इंग्लिश के लिए भी अगर आपको पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के साथ में जाना है, तो ये चीज़ें हो गई आपकी यहाँ पर। तो आप में किसी भी बैच को अगर यहाँ पर अवेल करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप हमारा कोड बेसिकली यूज़ है जो कर सकते हो, विच इज़ LA LIVE, ठीक है। तो चलिए आप तैयारी शुरू करते हैं। चलिए अब हम पर्दा खोलते हैं किसका, यहाँ पर हमारे पास में पर्दा खुल गया है, खुल जा सिम नेटवर्किंग के अंदर टोपोलॉजीज़ का। तो टोपोलॉजीज़ के एग्जाम्पल को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल लीजिए कि कुछ बच्चे आ गए, ठीक है। अब आपकी क्लास में जो बच्चे आ गए, आप कोई भी एग्जांपल ले लो, है ना। तो अब मुझे क्या है कि भाई उनको बिठाना कैसे है, ठीक है। तो उनका जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो कैसे होगा, जैसे कि अगर हम एक बस का एग्जांपल भी ले लेते हैं, तो बस में सवारियां चढ़ रही हैं, तो अब उनके लिए एक सिस्टम लगा हुआ है वहां पर कि दो सवारियां इधर बैठेंगी, दो इधर बैठेंगी, दो इधर, दो इधर, दो इधर, दो इधर, है ना। कैफे वगैरह में चले जाएं तो वहां एक अलग सिस्टम है जो हो रहा होता है कि एक जो है बीच में बेंच लगा होगा और फिर हम इस तरीके से बैठ रहे होंगे। हमारी क्लास में भी कुछ इस तरीके से सिस्टम होता है कि दो यहां बच्चे, दो यहां एंड दो यहां, और फिर उसके पीछे लाइन है। तो ये क्या है, सारा का सारा अरेंजमेंट है
सेटिंग अरेंजमेंट कि कैसे आप अरेंज कर रहे हो. जैसे अगर मैं घर पे कोई प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज कर रही हूँ तो मैं उनका सेटिंग अरेंजमेंट अच्छे तरीके से देखूंगी कि मेहमान आएंगे तो किस तरीके से कैसे हैं जो बैठेंगे, है ना. तो ये सारी चीज़ें मैं अरेंज कर रही हूँ. तो यहाँ पर मेरे घर में मेहमान नहीं, मेरे घर में कंप्यूटर आ रहे हैं. तो अब जब मैं मान लीजिए 15-20-25 कंप्यूटर है जो लेकर के आ रहे हैं, तो उनका सबका सेटिंग अरेंजमेंट कैसे होगा? खरीदे ले आए तार से जोड़े काम हो गया? नहीं नहीं, हम यहाँ पर एक बेस्ट टॉपोलॉजी है जो ढूंढेंगे. उस टॉपोलॉजी के अकॉर्डिंग हम अपनी सिस्टम्स को जोड़ रहे होंगे. अब जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी स्कूल की, जहाँ पर कंप्यूटर्स हैं, तो वो किसी ना किसी टॉपोलॉजी को फॉलो करते हुए उनका एक अरेंजमेंट है जो बिठाया होगा और फिर उनके थ्रू है जो काम करवा रहे होंगे. तो टॉपोलॉजीज, उन्हीं के बारे में हम लोग बात है जो बेसिकली यहाँ पर करने वाले हैं. एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपके पास में काफ़ी सारी जो है, जैसे रिंग हो गया, स्टार हो गया, बस हो गया, ये सारी टॉपोलॉजीज के एग्जाम्पल हैं. तो इट रेफर्स टू द जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ नोड्स इन अ लैन लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर. हम उनको किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं, कैसे हम कौन सी टॉपोलॉजी का यूज़ करते हुए हमने उनको अरेंज किया है, कैसे हम डेटा, ऑफकोर्स एक टॉपोलॉजी अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो कैसे हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होगा, और ये हम यहाँ पर डिसाइड कर रहे होंगे किसमें, टॉपोलॉजी के अंदर. अब टॉपोलॉजी में ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही सोचो कि भाई मुझे बेस्ट यूज़ करना है, नहीं, ये एज़ पर हमारे काम के अकॉर्डिंग हो रहा होगा. हम इसके अंदर सोच रहे होंगे कि भाई इंस्टॉलेशन की कॉस्ट कितनी है, रिलायबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, फॉल्ट डिटेक्शन, हम ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी एक बेस्ट टॉपोलॉजी है जिसको चूज़ कर रहे होंगे. कोई भी अपने आप में बेस्ट नहीं है, ठीक है. कहीं कौन सी टॉपोलॉजी है जो यूज़ हो रही होती, कहीं कौन सी यूज़ हो रही होती, ये डिपेंड करेगा हमारे बिजनेस के ऊपर भी, जो भी जिसके लिए हम अपने कंप्यूटर्स को आपस में अरेंज कर रहे हैं. अगर हम स्कूल वकूल की बात करें तो हम वहाँ हम बस टॉपोलॉजी वगैरह का यूज़ कर रहे होते हैं, ऑफिस में हम स्टार का यूज़ कर रहे होते हैं. तो ये अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, अलग अलग जब भी हमें ज़रूरत होगी तो हम उस तरीके से टॉपोलॉजीज़ को ला करके अरेंज कर रहे होंगे हमारे कंप्यूटर्स को. तो बात करेंगे अगर सबसे पहले तो आपके पास में बस टॉपोलॉजी है, देन अगर हम लोग बात करेंगे बस के बाद में स्टार है, देन आपके पास में रिंग है, देन आपके पास में ट्री है, ट्री के बाद में मैश है. तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए. तो सबसे पहले हम फॉर्म में लेकर के आते हैं जिस टॉपोलॉजी को, जो कि हमारी बस टॉपोलॉजी है. अब बस टॉपोलॉजी का कहना क्या है? बस टॉपोलॉजी यहाँ पर कहती है कि इसके अंदर क्या होगा कि एक तार है जो आपने बीच में जोड़ दी. अब उस तार के साथ में आपने क्या किया, आपने नोड्स को है जो कनेक्ट कर दिया. बेसिकली अगर हम इसका बेस्ट एग्जांपल समझें यहाँ पर, तो इस तार को हमने बैकबोन तार है जो नाम दिया है. ये हमारी जो है कोएक्सियल केबल हो सकती है. तो इस केबल के साथ में क्या है, इसको हम एक नाम दे देते हैं, बैकबोन, ठीक है. जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये हमारे पूरे शरीर को बैलेंस करके रखती है ना, तो वैसे ही बस टॉपोलॉजी की ये जान है. ये है तो बस टॉपोलॉजी है, ये नहीं है तो वो बस टॉपोलॉजी नहीं है. तो टॉपोलॉजी हमारी यूज़ हो रही है यहाँ पर बस, तो बीच में क्या है, हमारे पास बैकबोन है और उसके दोनों हिस्सों पर टर्मिनेटर्स हुए हैं. अब यहां पर इस तरीके से आपने सिस्टम्स को है जो जोड़ दिया है. अब इसमें क्या दिक्कतें और क्या परेशानियां और क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज हो सकती हैं कि मान लीजिए मैंने एक सिस्टम को हटाया तो बाकियों पर कोई फर्क पड़ा नहीं, एक सिस्टम को लाया बाकियों पर कोई फर्क पड़ा नहीं, तो आपको एक कंप्यूटर की एक तार की जरूरत है, उस तार के साथ में आप इसको जोड़ दो. अब मान लीजिए कंप्यूटर खराब हो जाता है. अब खराब हो गया तो ये ढूंढने में मुझे थोड़ी सी परेशानी हो सकती है कि दिक्कत कहाँ पर है, बैकबोन में है किसी सिस्टम में है. लेकिन जैसे ही मैंने उसको डिटेक्ट कर लिया, अब मैं उसको अगर हटाऊंगी तो वो मैं उसको फ्रीली हटा सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. लेकिन 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 अगर मेरी बैकबोन यहाँ पर ख़राब होगी तो आप कहोगे दिस इज़ नॉट अ बस टॉपोलॉजी, क्योंकि मेन जो करता धरता है वही तो बस है ना. तो यहाँ से डेटा यहाँ 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 कैसे जाएगा जब सड़क ही नहीं रहेगी? तो बैकबोन क्या है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर वन वे ट्रांसमिशन है जो बेसिकली हो रहा होता है. तो यानी कि अगर यहाँ से डेटा आपका यहाँ तक जाना है तो वो डेटा फ्लो होगा, ठीक है. तो बिल्कुल अब टर्मिनेटर्स क्या करेंगे, उसको एंड करेंगे, तब जा करके आपका नेक्स्ट नोड है जो डेटा ट्रांसफर कर पाएगी. तो इसमें ऑफकोर्स जब ज़्यादा सिस्टम्स आपकी बैकबोन के साथ में अटैच हो जाते हैं तो उस टाइम पर दिक्कत आएगी कि ऑफकोर्स ट्रैफिक ज़्यादा जनरेट है जो होगा. तो एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने आपको बता दिए हैं, आप इसको यहाँ से देख करके कर भी सकते हो. बाकी मैं आपको पढ़ करके बता देती हूँ. इट्स ईजी टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू अ लीनियर बस, बिल्कुल इसको लीनियर बस टॉपोलॉजी भी है जो बोला गया है. रिक्वायर्ड लेस केबल लेंथ स्टार टॉपोलॉजी के मुकाबले इसके अंदर जो है तार की जो मात्रा है या क्षमता है, लेंथ है जो बोलेंगे वो कम ही है जो होती है. एक सेकंड, अभी आगे चलेंगे. हाँ, क्या होता है कि कभी कभी हम पढ़ा रहे होते तो ऐसे हो जाते गर्स, है ना. तो थोड़ा सा वो बैलेंस रखना चाहिए, है ना. सो इट रिक्वायर्स लेस केबल, मतलब तार की कम जरूरत है जो पड़ती है एज कंपैरिजन टू अगर हम बात करें स्टार टॉपोलॉजी. कहते हैं कि इंटायर नेटवर्क शट्स डाउन अगर मेन ही केबल फॉल हो गया, ठीक है. मेन केबल ही हमारी खराब होगी बैकबोन, तो फिर
बस टॉपोलॉजी ही नहीं रही, पूरा सिस्टम ही शट हो जाएगा, है ना। कहते हैं कि टर्मिनेटर्स रिक्वायर होते हैं दोनों एंड पर, डायग्नोसिस इज डिफिकल्ट इफ एंटायर नेटवर्क शट्स डाउन। बिल्कुल हमें ये दिक्कत पता नहीं चलती कि दिक्कत है कहाँ पर, लेकिन अगर डायग्नोज हो जाती हैं चीज़ें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगर उसके साथ मैंने एक सिस्टम को जोड़ रखा है तो हम उसको, अगर वो ख़राब हो गया तो मैं उसको हटा दूंगी ईजिली। हटाना और ऐड करना इज़ ईजी, बट डायग्नोज करना इज़ लिटिल टफ़। ओके, सो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि अगर डेटा यहाँ से यहाँ जा रहा है तो यहाँ से डेटा आपका लॉस्ट हो सकता है। ओके, आगे चलते हैं और हम बात करते हैं किसके बारे में, हमारी स्टार टॉपोलॉजी के बारे में। तो इसमें एक सेंट्रल नोड होती है बीच में, तो एक स्टार तरीके की शेप है जो यहाँ पर होती है। तो आपके पास में हमारे जो है बीच में सेंट्रल नोड के साथ में बाकी सारे डिवाइसेस को हम जोड़ रखे होते हैं। अगर मान लीजिए एक में कोई खराबी आ गई, अगर इसमें कोई दिक्कत आ गई, तो आप क्या करो, इसको हटा दो, बाकियों पर कोई असर हुआ नहीं, बस में भी नहीं होता, इसमें भी नहीं होता है, जोड़ना है जोड़ो, यू नीड तार और एक आपको सिस्टम नोड की जरूरत है, आप बस उसको जोड़ो। एंड अगर मान लीजिए जैसे हमारी अगर बैकबोन खराब हो रही थी तो सिस्टम ठप हो रहा था, वैसे ही अगर हमारा बीच में मेन हमारी सेंट्रल नोड है, अगर वही खराब हो गई तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। तो फिर हमारी ये स्टार टॉपोलॉजी रहेगी नहीं रहेगी। तो कहने का मतलब है हु इज़ मेन हेयर, द सेंट्रल नोड इज़ मेन हेयर, है ना। तो अब देखिए ईजी टू इंस्टॉल है, आपको ईजिली आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, यू नीड अ हब और स्विच, आप उसके साथ में उसको कनेक्ट कर दोगे। इफ़ वन नोड अगर फेल हो जाती है तो बाकी सारी चीज़ें आपकी स्मूथली काम करती रहती हैं, कनेक्टिंग और रिमूविंग पर इजी है, बाकी चीजों पर फर्क नहीं डालता। डायग्नोस करना इजी है, लेकिन डायग्नोस करना वहां थोड़ा सा टफ था, क्योंकि लंबी अगर आपकी तार है और उसके साथ ज्यादा सिस्टम अटैच है तो हमें पता नहीं चलता कि दिक्कत बैकबोन में है कि किसी कंप्यूटर में है, क्यों नहीं डेटा ट्रांसफर हो रहा। लेकिन अगर यहां इसमें दिक्कत है तो उसमें पता चल जाएगा, क्योंकि ये इसको डेटा नहीं भेज पा रहा हो या किसी और को, है ना। तो ये चीज है, रिक्वायर ज्यादा तारों की जरूरत है जो इसके अंदर बिल्कुल पड़ती है। अगर हब या स्विच ही खराब हो जाए तो फिर वो हमारी स्टार टॉपोलॉजी रहेगी नहीं। ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज कंपैरिजन टू लीनियर के मुकाबले। आगे चलते हुए अगर हम बात करते हैं ट्री टॉपोलॉजी, तो ये दो टॉपोलॉजीज का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर आपकी बैकबोन है, उसके साथ में देखिए आपके स्टार है जो लगे हुए हैं, तो ये दो टॉपोलॉजीज का एक समूह है कह सकते हैं। तो दैट इज योर क्या, हमारी ट्री टॉपोलॉजी। तो अगर इसमें एक, अगर मान लीजिए एक खराब हो जाता है, तो उसका ऑफकोर्स फर्क है जो बाकियों पर नहीं पड़ता, आप उसको हटा दो, अगर नया ऐड करना तो ऐड कर देंगे। अब अगर बैकबोन खराब हो जाती है तो दिक्कत क्या होगी कि ये आपस में डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, अगर इनको करना है, ठीक है, लेकिन ये आपस में कर सकते हैं, ये अंदर ही अंदर अपना डेटा ट्रांसफर करते रहते हैं, बट एक्सचेंज एक दूसरे के साथ में नहीं कर सकते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ दिस, हमारी बैकबोन की वजह से, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इनको कनेक्ट है जो बेसिकली कर सकते हो, एक खराब हो गया तो बाकी ऊपर कोई असर होता नहीं है। अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ते हैं, तो कहता है कि इट प्रोवाइड हाई सिक्योरिटी, बिल्कुल हाई सिक्योरिटी, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी जो कंपनीज होती हैं उनके अंदर इसका यूज़ है जो बेसिकली होता है। हम छोटे मोटे बिजनेस के अंदर इसका यूज़ करते नहीं, तो उतने ही डेटा एडमिनिस्ट्रेटर भी वहाँ पर हो रहे होते हैं इसको देखने के लिए। ओके, तो कहता है कि स्केबिलिटी इज हाई एज मोर लीफ, देखिए क्या चीज़ है, स्टार कॉन्फिगर्ड नोड कैन बी एडेड। देखिए क्या चीज़ है स्केबिलिटी से, एक तरीके से ये मतलब है कि अगर मुझे नई नोड को अटैच करना है तो मैं अटैच कर सकती हूँ। अगर मुझे मान लीजिए इधर से कोई एक मैंने स्टार है तो उसको ऐड करना है तो उसको भी ऐड कर सकती हूँ, रिमूव है तो रिमूव कर सकते हैं। इट यूजेज पॉइंट टू पॉइंट राइटिंग फॉर इंडिविजुअल सेगमेंट, जी हाँ बिल्कुल, पॉइंट टू पॉइंट मतलब अगर मान लीजिए बीच में ये खराब होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपस में पॉइंट टू पॉइंट है जो भेज सकते हैं। तो मान लो मुझे इधर से अगर इधर भेजना है तो ऑफकोर्स बीच में इसका होना जरूरी है बैकबोन का, तो हम पॉइंट टू पॉइंट भी है जो अपना डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। कहता है कि इट्स सपोर्टेड बाय सेवरल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वेंडर्स, बिल्कुल, क्योंकि बड़े बड़े ऑफिस में यूज हो रही होती है तो वहां पर फिर उतनी ही आपको कह लो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का जो भी जो है चीजें उतनी ही ज्यादा क्रिएट हो जाती है, क्योंकि जितना बड़ा तामझाम होगा उतनी ही फिर जो है झंझट भी है जो होंगे। इफ बैकबोन फेल्स, बिल्कुल वो मैंने आपको चीज बता दी कि अगर बैकबोन फेल हो जाए लेकिन फिर भी वो आपस में काम है जो करते रहते हैं। कहते हैं कि ओवरऑल केबल लेंथ है जो इंक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल काम धाम अगर ज्यादा होंगे, बड़े ऑफिस में यूज हो रहा तो तारें भी उतनी लगेगी। अगर बैकबोन फेल हो जाती है तो वो आपस में इधर से उधर डेटा नहीं कर सकते हैं, बट इनका तो डेटा ट्रांसफर हो ही सकता है। डिफिकल्ट होता है कॉन्फिगर एंड वायर देन अदर टॉपोलॉजी, क्योंकि बड़े ऑफिस में यूज होगा तो बिल्कुल दिक्कतें तो आएंगी आएंगी। अगर हब या स्विच अगर हो जाए तो मतलब जो हमारे पास में डिसएडवांटेज थे किसके, बस के और स्टार के, वो तो रहेंगे ही।
आएंगे इसके अंदर। फिर आपकी आती है ट्री टॉपोलॉजी के बाद में, आपकी तीनों टॉपोलॉजीज का मैंने कंपैरिजन बता दिया, आप इसको चेक करते रहना। रिंग टॉपोलॉजी, तो रिंग टॉपोलॉजी में क्या होता है कि आपके पास में एक तार के साथ बाकी सारे सिस्टम्स को अटैच किया हुआ होता है, ठीक है। तो ये आपकी दोनों डायरेक्शन में हो सकती है, बट हमारे पास फिर जो है, हम इसको एक बार एंटी क्लॉक या क्लॉक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अगर हम एक तार लगा रहे हैं तो वो हमारी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होगी, दोनों करने के लिए दो तारे ऑफ कोर्स लगेंगी, है ना। तो देखिए, फिर अगर हम बात करेंगे इसकी एंटी क्लॉक की ही अगर बात कर लें या क्लॉक वाइज की ही बात कर लें, तो क्या होगा बेसिकली, अगर मैं यहाँ से डेटा यहाँ भेज रही हूँ तो मेरा डेटा आसानी से चला जाएगा, सुपर डुपर कूल होगा। अच्छा, दिक्कत तो तब आती है जब यहाँ से डेटा यहाँ भेजना है, और अगर ये क्लॉक वाइज है तो डेटा पहले यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, है ना। तो देखो, मतलब मैं ऐसे नहीं कह सकती अपने पीछे वालों को कि ये ले पकड़ ले डेटा, नहीं, मुझे आगे ट्रांसफर, क्योंकि क्लॉक वाइज है ना, तो कॉलिजन नहीं हो जाएगा, अगर इधर से भी डेटा आएगा इधर से भी टकराव नहीं हो जाएगा डेटा का। अब इसमें एक दिक्कत ये आती है कि मान लीजिए मैं डेटा यहां से, मान लीजिए मुझे यहां से यहां डेटा भेजना है, तो मैंने इसको भेजा, इसने इसको भेजा, मान लो ये खराब हो गया बीच में, तो अब मेरा डेटा आगे ट्रांसफर होगा, नहीं होगा। तो एक खराब हो गया तो बाकियों पर उसका असर हो जाएगा, तो ये हमारा पूरा सिस्टम ही है जो टप कर देगा। तो अगर मुझे न्यू नोड को ऐड करना, तो मुझे किसकी ज़रूरत है, एक तार की, एक्सपेंसिव भी है क्योंकि मुझे तार इसके साथ जोड़नी पड़ेगी, फिर इसके साथ है जो जोड़ना पड़ेगा, तो इस तरीके से हमारे पास दिक्कत आ जाएगी। और अगर मान लीजिए मुझे इसको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसकी तार इसके साथ मुझे जोड़नी पड़ेगी, ये तार मुझे हटानी पड़ेगी, है ना, तो ये दिक्कत हो जाएगी। ऑल द पैकेट्स फ्लो इन वन डायरेक्शन रिड्यूस चांसेस ऑफ पैकेट कॉलिजन, कॉलिजन नहीं होता है क्योंकि एक ही तरफ फ्लो हो रहा होता है। सर्वर इज नॉट नीडेड, बिल्कुल सर्वर वगैरह की जरूरत नहीं होती है, ट्रांसफर अच्छी स्पीड से हो जाता है, क्योंकि छोटा होगा तो फिर हो जाएगा, ज्यादा झंझट होगा, ज्यादा सिस्टम होंगे तो फिर वही डिफिकल्टी तो आएगी। न्यू नोड ऐड करना, नहीं, मैं इसको डिसएडवांटेज में ही कहूंगी, क्योंकि न्यू नोड ऐड करना थोड़ा सा टफ होगा, वो इसलिए क्योंकि आपको एक तार इधर जोड़नी है, एक तार इधर जोड़नी है ना। सो डेटा ट्रांसफर मस्ट पास थ्रू ईच नोड विच मेक इट स्लोअर देन स्टार टॉपोलॉजी, बिल्कुल, क्योंकि स्टार टॉपोलॉजी में तो क्या है, पॉइंट टू पॉइंट जा रहा होता है, इसमें पहले आगे वाले को, आगे वाला उसके आगे वाले को, उसके वाला उसके आगे वाले को, बेसा बेसा आपके पास में डेटा पहुंचेगा। एंटायर नेटवर्क विल बी इंपैक्टेड इफ वन वर्क स्टेशन शट्स डाउन, ये बिल्कुल, ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता ही चुकी हूं। अगर हम मान लीजिए बाकी टॉपोलॉजीज के मामले में अगर इसको देखते हैं, तो बेसिकली ऐसी बात आती है कि ये ज्यादा एक्सपेंसिव अगर हम कहेंगे तो है, क्योंकि हार्डवेयर नीडेड टू कनेक्ट ईच वर्क स्टेशन टू नेटवर्क इज मोर एक्सपेंसिव देन हब स्विच एंड ईथरनेट कार्ड्स। तो बाकी अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो ये ज्यादा एक्सपेंसिव कहेंगे बाकियों के मुकाबले में। तो आगे हमारी आती है रिंग टॉपोलॉजी के बाद में मैश। मैश टॉपोलॉजी में दो है, एक तो फुली मैश है और एक हमारा पार्शियली कनेक्टेड या पार्शियली कनेक्टेड है। तो इसमें क्या होगा कि आपका एक सिस्टम है वो सबके साथ जुड़ेगा, फिर दूसरा सिस्टम सबके साथ जुड़ा जाएगा, फिर ये सिस्टम सबके साथ जुड़ा जाएगा, है ना। तो इसमें n माइनस वन अपॉन में टू शायद ये होता है जिसके थ्रू हम पता करते हैं, एक बार इसको चेक भी कर लेना, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये सारे के सारे आपस में कनेक्टेड है जो रहते हैं। पार्शियली में क्या होता है कि जिसको जिसके साथ जोड़ना है हम उसके साथ जोड़ते हैं। कहते हैं कि ईच कनेक्शन कैन कैरी इट्स ओन डेटा लोड, क्योंकि अगर मेरे पास मान लीजिए चार सिस्टम है, तो मैं इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसको एंड और तो कोई ये, तो अगर मुझे यहां से डेटा यहां भेजना है तो बिल्कुल मैं भेज सकती हूं, क्योंकि सिक्योरिटी भी है और हर कोई अपना डेटा अपना खुद से ट्रांसफर कर रहा है। मैनेज हाई ट्रैफिक बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि सारे पॉइंट टू पॉइंट एक दूसरे से जुड़े होते हैं, रोबस्ट होता है, सिक्योरिटी प्राइवेसी की दिक्कत नहीं रहती है। डायग्नोस करना ईजी होता है, अगर ये दोनों आपस में डेटा नहीं भेज पा रहे हैं तो दोनों इन्हीं में दोनों में दिक्कत है, या तो इनकी तार में या इनमें खुद में। इंस्टॉलेशन कॉन्फिग्रेशन इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि तारों का जाल बिछ जाता है, बल्क में वायरिंग बिल्कुल होती है, ठीक है। चांसेस ऑफ रिडंडेंसी हाई, चांसेस ऑफ रिडंडेंसी इज हाई विच लीड्स टू हायर कॉस्ट, बिल्कुल एफिशिएंसी लो बनती है और आपकी कॉस्ट भी है जो ज्यादा बैठती है इससे, ठीक है। तो ये आपके मैश टॉपोलॉजी के डिसएडवांटेजेस थे बेसिकली। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। शुरू करने से पहले यहाँ पर थोड़ी सी चीज जो कि आपको यहाँ पर बतानी बहुत ही जरूरी है, और वो ये है रिलेटेड टू आप लोगों के बिल्कुल अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो देखिए, आप सीबीएसई क्लास 11th 12th की तैयारी है जो कर रहे हैं, बोर्ड की तैयारी, बिल्कुल 11th से हमारी तैयारी है जो बिल्कुल शुरू हो जाती है, क्योंकि 11th ही है जो बेस बनती है क्लास 12th में, और 12th ही है जो बेस बनती है बिल्कुल करियर का। तो हम कहेंगे कि हमारी चीज़ें जो 11th से ही बिल्कुल स्टार्ट हो जानी
करनी चाहिए। अब देखिए आपके पास में देखिए अप टू 48% यहाँ पर डिस्काउंट, जो कि ये जिसके साथ में आपको जो है 3 मंथ सब्सक्रिप्शन भी है जो यहाँ पर फ्री मिल रहा है, जैसे कि 24 महीने और 3 महीने का, फिर 12 महीने और 2 महीने। तो देखिए आप इतना है जो सेव कर पा रहे होंगे और इतना है जो आप पे कर पा रहे होंगे इतने ड्यूरेशन टाइम के लिए, ठीक है। तो देखिए बच्चा, अब ऐसी बात है कि अगर आप अपनी तैयारी को ना एक बहुत ही जोरों शोरों से इत्मीनान से शुरू करना चाहते हैं, जोरों शोरों से इत्मीनान से, कुछ भी आप पॉजिटिव वर्ड है जो यहाँ पर ले लीजिए। तो देखिए अगर आपको कहने का मतलब है, अगर आपको प्लस क्लास का वेट, यूट्यूब क्लास का वेट रहता है, आपको स्पेशल क्लास का वेट रहता है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर प्लस क्लास का वेट भी है जो रहेगा, क्योंकि प्लस में तो चीज़ें फिर प्लस के हिसाब से हो रही होंगी ना, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आ जाएगी कि येस आप प्लस के ऊपर हो, तो दैट मीन्स यू आर सीरियस हेयर, है ना। तो अभी आपको सिर्फ है जो पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। तो बिल्कुल अगर आप ऐसा जो है एकदम तैयारी के मूड में आ चुके हो, तो येस आप 3 मंथ के साथ में ये सब्सक्रिप्शन है जो 24, 16 जो भी है 12 मंथ है ना, ये ले सकते हो। और देखिए अब ये डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप हमारा कोड है जो यूज़ करोगे, ठीक है। तो हम आपको अपना कोड बता रहे हैं जिसके थ्रू आपको ये डिस्काउंट है जो आपको मिल जाएगा। बाकी देखिए आपके PCM के लिए आपका फुल सिलेबस बैच 2024 है ना, तो देखिए कॉमर्स वाले बैच और फिर आप लोगों का यहाँ पर इंग्लिश के लिए भी अगर आपको पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के साथ में जाना है, तो ये चीज़ें हो गई आपकी यहाँ पर। तो आप किसी भी बैच को अगर यहाँ पर अवेल करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप हमारा कोड बेसिकली यूज़ है जो कर सकते हो, विच इज़ LA लाइव, ठीक है। तो चलिए आप तैयारी शुरू करते हैं। अगला टॉपिक हमारा कहता है यहाँ पर कि हम बात कर रहे हैं प्रोटोकॉल्स के बारे में, तो हम यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा एक डायग्राम सा लेकर के आए हैं, डायग्राम एक पिक्चर लेकर के आए हैं। तो ये पिक्चर है जो हमारी एक ब्यूटीफुल हमारा भारत, देखो ऊपर से कितना प्यारा लग रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये जो फोटो हमें दिखाई दे रही है ये हमारी जो है अर्थ की है। तो ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, या मैं आपको बता रही हूँ कि यार हम अर्थ के एक हिस्से में रह रहे हैं, अर्थ के दूसरे हिस्से में रह रहे हैं, तो जिस भी हिस्से में रह रहे हैं वहाँ पर कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जो यूज़ आते हैं। तो यानी कि हम कुछ दायरे में, कुछ सेट ऑफ रूल्स के अंदर रह रहे होते हैं। एक रूल है जो हमारे घर पर भी है जो चल रहा होता है, अगर हम दो आपस में जने बात कर रहे हैं, तो अगर हम हाय हेलो भी बात कर रहे हैं, तो हम कुछ रूल्स में रह के बात कर रहे हैं, चाहे हम पंजाबी यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम हिंदी, चाहे हम इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, तो हम कुछ जो है लैंग्वेज जिसका भी हम फॉर्मेट बोल रहे हैं एक दूसरे के साथ में, तो उस लैंग्वेज का एक फॉर्मेट है जिसको हमें बोलना पड़ेगा, है ना। तो अगर मुझे किसी को हाय हेलो बोलना है, तो मैं उस लैंग्वेज को सीखूंगी, उसके फॉर्मेट को सीखूंगी, तब मैं जा करके उस रूल और दायरे को सीख करके फिर है जो आगे किसी के साथ कम्युनिकेट कर रही होंगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि हमारे हर जगह है जो रूल्स चलते हैं। अब ऐसा है कि जब मुझे एक जगह बंदे से दूसरे से बात करनी है, तब मैं रूल्स में रह करके बात करूंगी। वैसे ही हम यहां पर अपने कंप्यूटर्स की बात करते हैं, तो हमारे कंप्यूटर्स अगर बात कर रहे होते हैं, ऐसा तो नहीं कि कंप्यूटर हाय हेलो पूछ रहे होते हैं। कंप्यूटर ने क्या करना है, डेटा ही ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह। तो जब ये एक जगह से दूसरी जगह आपका डेटा जा रहा होता है, तो वो किस तरीके से जा रहा होता है, वो कुछ रूल्स और दायरे में रह करके जा रहा होता है। तो यानी कि हम यहाँ पर सेट ऑफ रूल्स को यूज करते हैं, और वही रूल्स को हम लोग नेटवर्किंग की भाषा में प्रोटोकॉल्स का नाम है जो दे देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक तरफ सेंडर होता है, दूसरी तरफ रिसीवर होता है। क्या होता है, एक तरफ सेंडर होता है, दूसरी तरफ रिसीवर होता है। अब देखिए इनके लिए कोई ना कोई मीडिया जिसका यूज है जो किया होता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। किसको, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। अगर मैं अभी आपसे एक शब्द पूछूं कि व्हाट इज सेंडर, व्हाट इज रिसीवर, व्हाट इज मीडिया, व्हाट इज डेटा, आई गेस कि आपको ये चीजें पता चल गई होंगी, क्योंकि आप वन शॉट शुरू से देख रहे हैं। तो देखिए हमने सेंडर से रिसीवर को डेटा भेजा, उसके लिए किसी मीडिया का, किसी मीडियम का यूज है जो हुआ होगा। अब यहां पर एक नए शब्द को लेकर के आते हैं, वो है प्रोटोकॉल। डेटा आपने एक जगह से दूसरी जगह भेजा, तो ऐसे नहीं भेजा है, यहाँ पर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स यूज हुए होंगे, उसके बाद में वो डेटा ट्रांसफर हुआ होगा। अब मैं देखिए इस वीडियो को जब हम मैं इसको शूट कर रही हूँ, उसके बाद में हम लोग इसको अपलोड करेंगे, तो भी कोई रूल है जो प्रोटोकॉल्स है जो यूज हो रहे होंगे, ठीक है। अब एक सेकेंड रुकिए, हमारी फोटो आ रही है ना, हमें इसी चीज़ की टेंशन ज़्यादा लगी रहती है, हाँ, कि जो है मतलब ऐसा है कि कहीं दोबारा ना शूट करना पड़ जाए, क्योंकि इतनी एनर्जी से, इतने वो पॉसिबिलिटी, मतलब कह लो कि भाई पूरे एकदम क्षमता के साथ में जो एनर्जी देकर के आपका लेक्चर ले रहे होते हैं ना। ओके, तो देखिए अब गौर करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। कहते हैं कि नेटवर्क प्रोटोकॉल, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। नेटवर्क प्रोटोकॉल मीन्स द रूल्स दैट आर एप्लीकेबल फॉर अ नेटवर्क। तो नेटवर्क हमारे इंटरनेट पर रूल चलते हैं। अगर हम कोई डेटा, कोई मेल रिसीव कर रहे हो, आप मेल भेज रहे हो, कोई मैं गूगल से कोई चीज़ सर्च कर रही हूँ, मैंने अगर किसी
नहीं, किसी का फोन नहीं है, कंपनी वाले फोन करते रहते हैं और ट्रू कॉलर भी नहीं आजकल बताता है, है ना. सो अ कंपनी, सॉरी, अ प्रोटोकॉल मीन्स दैट, अ प्रोटोकॉल मीन्स द रूल्स दैट आर एप्लीकेबल फॉर अ नेटवर्क. ठीक है, मैं ये आपको बता चुकी हूँ कि अगर हम गूगल से कोई डेटा सर्च करते हैं, कुछ भी मैंने अगर वेबसाइट ओपन की है, खोली है, बंद की है, अगर मैं किसी को मेल भेज रही हूँ, डेटा ट्रांसफर कुछ भी हो रहा है, तो वो सारा का सारा इन्हीं प्रोटोकॉल्स के अंदर रह करके हो रहा होगा. कोई ना कोई प्रोटोकॉल वहाँ पर ज़रूर एक्शन में हो रहा होगा. ठीक है, तो चलिए फिर अब हम चलते हैं. और यहाँ पर बातें हो रही हैं कि एक जगह से दूसरी जगह आपका डेटा ट्रांसफ़र होगा, तो वहाँ पर जो प्रोटोकॉल्स हमारे यूज़ हो रहे होंगे, तो ये सारे के सारे हैं. तो देखिए, अब हम सबसे पहले गर्दन पकड़ते हैं किसकी, HTTP. तो इसकी फुल फॉर्म है जी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. तो देखिए, ये जो हमारा प्रोटोकॉल है, ये बेसिकली यूज़ होता है ट्रांसफरिंग हाइपरटेक्स्ट टेक्स्ट, जैसे इसके नाम में लिखा हुआ है, टेक्स्ट, ग्राफिक, इमेजेस, साउंड, वीडियो, बिटवीन टू कंप्यूटर्स एंड पर्टिकुलरली यूज्ड ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब. देखिए, आपने इसका यूज़ बहुत बार किया होगा. बहुत बार क्या, हम इसी का यूज़ तो करते हैं. सॉरी, अगर मुझे किसी वेबसाइट को ओपन करना है, तो उसके आगे क्या होगा, HTTPS HTTP लिखा होगा. तो बिल्कुल, अब ऐसी बात होती है, क्या होता है कि अगर हम इसको बहुत ही आसान भाषा में कहें, तो ये है क्लाइंट, ठीक है, और ये है हमारा सर्वर. तो मैं क्लाइंट से सर्वर को कोई रिक्वेस्ट है जो भेजनी है, मैंने इसमें अपना वेब ब्राउजर ओपन किया, तो मुझे कुछ डेटा सर्च करना है या कुछ भी, तो मैंने कोई वेबसाइट ओपन करनी है मान लीजिए, तो मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट किया. तो ये रिक्वेस्ट गई किसके पास में, मेरे सर्वर के पास, है ना. तो अब सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई, सर्वर के पास में वो वेबसाइट या वो डेटा होगा, अब वो वापस से मेरे पास में मुझे रिस्पॉन्स देगा. तो ये जो घटना घटित हो रही है, ये HTTP के थ्रू है जो हो रही है. तो यहाँ पर क्या है कि आपका HTTP रिक्वेस्ट, जब हम रिक्वेस्ट कर रहे होते सर्वर से और वापस जब हमें रिस्पॉन्स मिल रहा होता है, तो उसको हम HTTP रिस्पॉन्स बोलते हैं. इसमें हमारे पास में HTTP और HTTPS, S का मतलब हो जाता है कि S बोले तो सिक्योर शब्द है जो साथ में जुड़ जाता है. तो मान लीजिए मैंने कोई रिक्वेस्ट की है, तो अभी अगर HTTP है, तो कहने का मतलब है कि जो हैकर या क्रैकर बीच में होंगे, तो वो उसको जल्दी, मतलब उसको जो है, मतलब हमारा जो पासवर्ड है या जो भी डेटा है, तो वो उसको लॉस्ट है जो कर सकते, मतलब लॉस्ट हो सकता है, उनके थ्रू स्टील किया जा सकता है. लेकिन अगर S है, तो साथ में वो क्या कर देता है, एनक्रिप्ट कर देता है. तो एनक्रिप्ट करने से बेसिकली क्या हो रहा होगा कि आपका जो ये जो पासवर्ड है ना, ये किसी ना किसी एक ऐसी फॉर्म में चेंज हो चुका है जिसको जो है डिक्रिप्ट करना मुश्किल होगा हैकर्स के लिए. तो बेसिकली HTTPS जो हमारा यूज हो रहा होता है, जहां पर जो है बैंक की जो वेबसाइट्स होती हैं ज्यादातर, जिसमें पासवर्ड हम जो है OTP वगैरह आता है, तो हम वैसी वेबसाइट्स हमारी HTTPS से है जो शुरू हो रही होती है, उसमें S लगता है. ठीक है, तो S इज फॉर सिक्योर. ठीक है, आगे चलते हैं. तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि फाइल को ट्रांसफर करने के लिए एक प्रोटोकॉल यूज में आता है. ठीक है, तो जब हम हमारे जो क्लाइंट से हम सर्वर को अपनी फाइल है जो भेज रहे होते हैं, तो उसके सर्वर पर पहुंचेगी, सर्वर से जाकर के दूसरे जो, जिसको मैंने डेस्टिनेशन बोला है, तो उसके तरफ मेरा फाइल है जो जा रही होगी. तो यहां पर हमारा FTP प्रोटोकॉल है जो बेसिकली काम में आएगा. ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो बात करेंगे, ये हमारा एक तरीके से एक मॉडल है पूरा का पूरा, इसके लिए ही, मतलब इसके ऊपर हमारी पूरी नेटवर्किंग है. अगर हम कहेंगे, आप इसको अभी नहीं पढ़ोगे इतने डीप में, आप इसको कॉलेज में जाकर के इसको डीप में पढ़ोगे, क्योंकि ये कह लो कि अगर आपने जो हमारा OSI मॉडल हो गया और ये TCP मॉडल हो गया, अगर आपने इसको कर लिया ना, तो यानी कि आपने नेटवर्किंग कर ली है, क्योंकि पूरा एकदम कोर टॉपिक्स के अंदर से एक है. बाकी अगर हम इसको बहुत ही अगर ऊपरी लेयर के साथ में हम इसको समझें, तो TCP मॉडल के अंदर देखिए हमारे कुछ इस तरीके से 5 लेयर है कहीं, वैसे इसकी लेयर कभी फिक्स नहीं है, क्योंकि इसकी जो है डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रखी है. TCP ही बहुत पुराना मॉडल है जो हमारा बहुत टाइम से हमारा यूज़ हो रहा है, OSI से भी पहले से. तो बात करेंगे, ये हमारा प्रैक्टिकल है जिसको हम प्रैक्टिकल यूज़ कर रहे हैं इस मॉडल को. इसके अंदर काफ़ी सारी लेयर हैं, कुछ बुक्स में आपको 4 मिलेंगी, कुछ में 5 मिलेंगी. ठीक है, तो बेसिकली हम इसके बहुत ही डीप में नहीं जाएंगे, हम इसको अगर देखेंगे कि क्या चीज़ है, बेसिकली क्या ऊपर ऊपर से चीज़ें जो हो रही हैं. तो बात आती है कि जब हम ए से ट्रांसफ़र कर रहे हैं डेटा बी की तरफ, तो हमारा जो डेटा है ना, वो क्या होगा, पैकेट्स में डिवाइड हो जाएगा. तो ये जो काम हो रहा होगा, ये TCP के थ्रू हो रहा होगा. तो अब जो पैकेट्स में डिवाइड हो रहा है, उसके साथ में उसका कौन है भाई, IP. तो हर पैकेट के ऊपर उसका IP एड्रेस है जो लगा होगा कि कहाँ से डेटा आया है, कहाँ से आया है, कहाँ को जाएगा. तो इस तरीके से वो रूट, अलग अलग रूट से होता हुआ वो पैकेट्स क्या होंगे, रीअसेंबल होंगे हमारे डेस्टिनेशन के सर्वर पर, और फिर रीअसेंबल होकर के आपका डेटा आपके डेस्टिनेशन को मिल रहा होगा. तो कहने का मतलब है कि इसके स्टेप्स देखिए, आपका अलग अलग रूट से आपके स्टेप्स होते हुए ये जो चीज़ हो रही है TCP के थ्रू हो रही है. फिर IP एड्रेस उनके ऊपर लगा हुआ है, यानी कि कहाँ से डेटा आया है, कहाँ को जाएगा, और फिर फाइनली आपका डेटा ट्रांसफर जो है मिल जाएगा आपके जो है डेस्टिनेशन को. ओके, तो कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंप्यूटर्स ऑन इंटरनेट इज डन
यूजिंग TCP/IP प्रोटोकॉल. ये TCP/IP हमारा जो है, ये दो लेयर आप कह सकते हो, TCP और IP. TCP प्रोटोकॉल, अ सिंगल लार्ज मैसेज इज डिवाइडेड इनटू सीक्वेंस, चंक्स जिसको हम बोलते हैं, तो पैकेट्स बोलेंगे. इनका साइज भी है जो होता है. अब बात करेंगे अगर पैकेट्स की, तो कहता है कि ईच पैकेट इज इंडिपेंडेंट एंड हैज द एड्रेस ऑफ सेंडर एंड डेस्टिनेशन, कहाँ से आया है, कहाँ को जाएगा. ठीक है, तो हमारा इतना जो लंबा डेटा है, ज़्यादा डेटा, वो ऐसे नहीं होता, उसको पैकेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और फिर जाकर के वो एक एक पैकेट है जो डेस्टिनेशन तक जाकर के पहुंचता है, और उस पर पहुंचने से पहले रीअसेंबल होता है और फिर आपके प्रेजेंट होता है आपके यूजर या फिर जो भी डेस्टिनेशन है उसके कंप्यूटर पर. कहता है कि IP इंटरनेट प्रोटोकॉल डज द रूटिंग फॉर द पैकेट्स. बिल्कुल, इसी के थ्रू रूटिंग है जो हो रही होती है कि कौन सा पैकेट किस तरफ से, किस रूट से जाएगा, और फिर बाद में हर पैकेट जो भी सेम सिमिलर मैसेज होगा उन पर, जो सेम IP एड्रेस होगा, तो वो सारे के सारे रीअसेंबल है जो बेसिकली हो रहे होंगे. सो TCP रीअसेंबल करेगा फिर. और अगर कोई, मान लीजिए बीच में हमारा कोई भी प्रोटोकॉल मिस, सॉरी कोई भी पैकेट है जो मिस हो जाता है, तो TCP क्या करेगा, इस ये हमें एक्नॉलेज भी है जो करता है, तो फिर हमारा मैसेज है जो दोबारा से रीट्रांसफर है जो हम कर रहे होंगे. SMTP की बात करते हैं तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है. इसका इस बेचारे से कोई लेना देना नहीं है, ये मुझे क्यूट लगा तो मैंने इसमें ले आई. ठीक है, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. तो जब हम मेल को भेजते हैं हमारे जो है कह लो कि भी सेंडर से रिसीवर पर, तो हमारा SMTP प्रोटोकॉल है जो बेसिकली यूज़ हो रहा होगा. तो बेसिकली क्या है कि अगर हमने यहाँ से अपनी मेल भेजी है, तो जो सेंडर, जो रिसीवर का मेल है, सर्वर, वहाँ तक SMTP यूज़ हो रहा होगा. फिर वहाँ से रिसीव करते वक्त हमारे पास में यूज़ हो रहा होगा कौन सा, POP और IMAP. ठीक है, ओके. तो अगर POP की बात करेंगे तो रिसीविंग के टाइम पर हमारा ये प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा होता है. ठीक है, तो रिसीवर के टाइम पर हम इसका यूज़ करते हैं, POP का और IMAP का भी. अब दोनों में अंतर क्या है या तीनों में अंतर क्या है, तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, तो जब हम मेल को भेज रहे होते हैं, सेंड कर रहे होते हैं, तब इसका बेसिकली यूज़ है जो हो रहा होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र का. ओके, तो देन हम अगर बात करें POP3 की, तो POP3 के अंदर क्या हो रहा होगा, जब हम डाउनलोड कर रहे होंगे हमारे मेल को. ठीक है, और IMAP में क्या है, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल. अब बेसिकली क्या है कि POP के अंदर क्या होगा कि जैसे ही मैंने डेटा को यहाँ से भेजा, यानी कि SMTP यूज़ हुआ, और सर्वर से जब डाउनलोड होगा डेटा, तो इसमें क्या होगा कि जो आपकी सर्वर पर मेल होगी ना, तो वो वहाँ से डिलीट हो जाती है. ठीक है, तो ये क्या होगा, ये मशीन डिपेंडेंट हो गया. तो बेसिकली क्या है कि अगर मान लो मैंने चंडीगढ़ के से अपने सिस्टम से मेल को देखा है, तो मैं वहीं से देख सकती हूँ, लेकिन अगर मान लो मैं चंडीगढ़ से दिल्ली आ गई, तो मेरी मेल तो मेरे लोकल सिस्टम पर है, मैं अगर उसको देखना चाहती हूँ दिल्ली आकर के नहीं हो सकता. तो IMAP में ये चीज़ होती है कि वो आपके सर्वर पर भी रहती है और डाउनलोड भी है जो हो जाती है. बाकी इसमें और भी चीज़ें हैं बहुत सारी, लेकिन हम उतनी चीज़ें जानेंगे जितनी हमारे काम की है. और काम की चीज़ों में ये भी है कि इसमें ज़्यादा फीचर्स आपको ऐड हो जाते हैं POP3 के मुकाबले. ठीक है, POP3 में इतने फीचर्स नहीं होते हैं, तो वहाँ आपका जो डिलीट विलीट हो जाएगा डेटा, तो फिर वो लोकल सिस्टम पर ही है जो बाउंड होकर के रह जाएगा. लेकिन यहाँ पर आपके सर्वर पर भी आपका डेटा है जो रहता है, और फिर वो आपको कहीं पर भी आप एक्सेस कर सकते हो, चाहे तुम दिल्ली में हो, चाहे तुम चंडीगढ़ में हो. ठीक है, तो आगे चलते हैं और हम बात करते हैं किसके बारे में, टेलनेट के बारे में. ठीक है, तो ये रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल है. तो आपने कुछ यूजुअली आपने नाम सुना होगा एनीडेस्क का या फिर टीम व्यूवर का, तो ये सारे हमारे यूज़ हो रहे होते हैं. कहने का मतलब है कि जब मुझे रिमोटली एक्सेस करना है, तो उसके लिए हमारा टेलनेट है जो बेसिकली काम में आ रहा हो. तो टेलनेट का बेसिकली जो काम होता है, वो रिमोट एरिया पर जो हमारी मशीन पड़ी होती है, तो हम उसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं. तो बेसिकली कहने का मतलब, इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, हमारे लॉकडाउन का टाइम हम लोग कहाँ थे, घर पे थे, और हमारे ऑफिस में हमारे सिस्टम्स थे, तो हम वहाँ से एक्सेस कर पा रहे थे, तो ये चीज़ हो पा रही थी टेलनेट के थ्रू. तो इसके जो एग्जाम्पल अगर हम समझेंगे, तो हमारे पास में एनीडेस्क है, टीम व्यूवर है, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए. ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, तो फिर इनमें हमारा ये टेलनेट है जो प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा होता है. तो चलिए अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ. तो हमारा वन शॉट है, इसमें हमने सारा का सारा अपना चैप्टर है जो कंप्लीट करना है. आप एग्जाम से पहले आइए और इसको देखिए, आपके सारे टॉपिक्स हैं जो स्मूथली क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, इनके नोट्स के लिए आप बिल्कुल टेलीग्राम चैनल है जिसको ज्वाइन करोगे, है ना. तो चलिए बीच में हम आपको चीज़ आगे चलते हैं अगले वाले टॉपिक के ऊपर. चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और कहानी कहती है कि वर्ल्ड वाइड वेब. तो इसके अंदर से ये क्या है, वर्ल्ड WWW वाइड और वेब, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, शॉर्ट में वेब बोल देते हैं. तो देखिए बात ऐसी है कि ये क्या है, जाल है. किसका जाल है भाई, वेबसाइट्स का जाल है. तो वेबसाइट्स यानी कि आपकी वेबसाइट्स हो गए, आपके वेब पेजेस हो गए, वो सारे के सारे आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है, लिंक्ड है. ठीक है, और वो सारे सर्वर पर जाकर के स्टोर हैं. ठीक है, तो ये जो सारे के सारे वेब पेजेस हैं, वेबसाइट्स हैं, ये सारे के सारे का जाल क्या हो गया आपका, एक वर्ल्ड वाइड वेब, इसको हम लोग बोल देते हैं. कहता है कि दीज वेबसाइट्स, जो भी ये सारी वेबसाइट्स हैं, ये सारी की सारी क्या कंटेन करती हैं, इमेजेस कंटेन करती हैं, इसके अंदर ऑडियो है, इसके अंदर साउंड है, कोई एनिमेशन है ना. तो ये सारी
सारी की सारी हम रिट्रीव कर पाते हैं, फैच कर पाते हैं किसके थ्रू, इसी के थ्रू। कहता है कि द www विद इंटरनेट अलाउ टू रिट्रीव एंड डिस्प्ले ऑफ वेबसाइट्स ऑन योर डिवाइस। तो हम अपने डिवाइस पर कैसे देख पाते हैं इन सारी वेबसाइट्स को, सारी चीज़ों को? हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल, है ना। इंटरनेट होगा तो हम इस www के अंदर से हमारी जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जो भी चीज़ें, हम इनको एक्सेस कर पाते हैं, डिस्प्ले कर पाते हैं बिकॉज ऑफ हमारे www की वजह से। देखो, ये जो www है, इसको इन्वेंट करने वाले जो शख्स हैं, उनका नाम है जी टिम बर्नर्ली। सो 1989 के करीब इन्होंने जो है इसको जो है शुरू किया था, या आप कह सकते हो इन्वेंट किया था। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। अब देखिए, एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है, इसका जो यूज़ होता है वो वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए यूज़ आता है। तो कहता है कि अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर बहुत सारी और भी टर्मिनोलॉजीज, टेक्नोलॉजीज़ हैं जो यूज़ होती हैं, जैसे CSS, कैस्केडिंग, स्टाइल शीट हो गया, JavaScript, AJAX, है ना, ये सारी यूज़ होते हैं। बट हमें ये कुछ भी सीखना नहीं है, बट हमें इसके बारे में थोड़ा जानना है। ये टैग बेस्ड लैंग्वेज होती है। इफ़ यू नो द टैग्स, यू नो द HTML लैंग्वेज। यही इसकी डेफिनेशन है कि अगर आपको टैग्स पता है तो आपको HTML पता है, ठीक है। तो ये प्री डिफाइंड सारे टैग्स होते हैं, आपको धीरे धीरे याद हो जाते हैं, कुछ रट्टा मारने की जरूरत होती नहीं है। ये केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। अगर आपने किसी टैग को कैपिटल में ओपन किया तो आप उसको स्मॉल में ऑफ कर सकते हो। बाकी बाय द वे, CBSE के अंदर बच्चे ने HTML ही है जो पढ़ रखा होता है, वो तो 11th और 12th में आकर के उसको पता चलता है कि प्रोग्रामिंग नाम की भी चीज़ होती है, नहीं तो वो प्रोग्रामिंग HTML को ही समझ रहा होता है और वही उसी में जो है खुश हो रहा होता है, क्योंकि HTML बहुत ही ईजी है, उसमें जल्दी से जल्दी चीज़ें और ईजिली हो जाती है। फिर हम XML की बात करते हैं तो एक्सटेंजिबल मार्कअप लैंग्वेज है। कहते हैं कि टैग्स आर नॉट प्री डिफाइंड, इसमें प्री डिफाइंड नहीं होते, हम खुद के टैग्स बनाते हैं और ये केस सेंसिटिव भी है जो होती है, ठीक है। बाकी इसके अंदर जो चीज़ें हो रही होती है वो डेटा से रिलेटेड हो रही होती है, लेकिन इसमें डेटा से रिलेटेड, इसमें डिजाइनिंग से रिलेटेड चीज़ें हो रही होती हैं। आपको कुछ भी इसकी जो है कोड वोड इसका लिख करके नहीं आना है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। आगे चलते हैं, आगे हम डोमेन्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, डोमेन नेम क्या होता है? देखिए, अगर हम किसी भी वेबसाइट की बात करते हैं, ठीक है, किसी भी वेबसाइट की मैंने बात कर ली, तो उस हर वेबसाइट को क्या होता है, एक आईपी एड्रेस मिला होता है। आप जिस भी वेबसाइट को ओपन करते हो, हमारी रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पर, सर्वर से वापस रिस्पांस आ रहा होता है, तो वहाँ से जब हमारे सर्वर पर हमारी वेबसाइट को खोजा जाएगा, सर्च किया जाएगा, तो उसके आईपी एड्रेस से उसको ढूंढ करके हमारे सिस्टम पर लेकर के आया जाएगा। तो देखिए, अब हमारे पास में कितनी सारी वेबसाइट्स हैं, अगर हम बात करें दुनिया में, तो इतने सारे आईपी एड्रेस तो याद रखने बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे। हमें खुद का फ़ोन नंबर याद नहीं रहता, हम आईपी एड्रेस कहाँ से याद कर लेंगे? तो ऐसे में इन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हर आईपी एड्रेस को ना एक नाम दे दिया, ठीक है। तो अभी आप वेबसाइट का आईपी एड्रेस याद करने की बजाय उसका एक डोमेन है जिसको आप याद रखोगे, तो वो हम इंग्लिश में याद कर लेंगे, है ना, तो इंग्लिश में ही होते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक ऐसी कॉलोनी, आप कह लीजिए एक ऐसी कॉलोनी, उस कॉलोनी के अंदर क्या हो रहा है, एक ऐसी कॉलोनी, उस कॉलोनी में बहुत सारे घर हैं। अब उन घरों को अगर मैंने 10-10 डिजिट के बड़े बड़े न्यूमेरिकल नंबर दे दिए तो याद नहीं रहेंगे, बट वहीं पर मैंने इनको नाम दे दिया, शाहरुख दे दिया, सलमान दे दिया, है ना, मन्नत दे दिया, ऐसे नाम दे दिया, तो वो आपको याद रहेंगे। तो वही चीज यहां पर ये भी हो गई कि जो आईपी एड्रेस है उनको याद रख पाना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, तो दैट्स व्हाई डोमेन्स को क्रिएट किया गया। कहते हैं कि कम्युनिकेटिंग विद कंप्यूटर एंड इंटरनेट यूजिंग आईपी एड्रेस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, है ना, कि हम कितने का आईपी एड्रेस याद रख पाएंगे। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर आईपी एड्रेस ऑफ एवरी कंप्यूटर और वेबसाइट। कहता है कि सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड टू असाइन नेम टू द आईपी एड्रेस एंड मेंटेन अ डेटाबेस ऑफ दीज नेम्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द आईपी एड्रेस। अब देखिए क्या है कि जब हम सर्च करते हैं तो जैसे XYZ कोई वेबसाइट है, अब उसका क्या है, मेंटेन किया होगा पीछे बैक पर क्या कि उसका आईपी एड्रेस, ठीक है। तो जो हमारा DNS है वो इसको सर्च करके देगा कि भाई ये वाली वेबसाइट है तो इसका मतलब ये वाला आईपी एड्रेस है, तो इंटरनली एक्चुअली में आईपी एड्रेस सर्च हो रहा होता है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल हो गए हमारे cbse.nic, है ना, ये सारे। अब URL क्या हो गया, URL हो गया एक पर्टिकुलर पूरा पाथ, पूरा एड्रेस। जैसे अगर आपने मुझे कोई चिट्ठी भेजनी है तो आपको मेरा नाम, गली का नाम, मोहल्ले का नाम, है ना, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो वैसे ही एक वेबसाइट को ओपन करने के लिए उसका जो पूरा पाथ है, दैट इज़ कॉल्ड द URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। डोमेन नेम के अंदर देखो, आपके पास में टॉप लेवल डोमेन होगा, प्राइमरी डोमेन हो गया, मतलब डोमेन को भी आगे फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो इस कैटेगरीज को हम आगे पहले पेज पर पढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे आपके सामने डोमेन आ गया cbse.nic.in, तो इसमें जो इन हो गया वो प्राइमरी डोमेन हो गया,
सब डोमेन हो गया NIC, फिर सब डोमेन ऑफ NIC हो गया CBSE। अब इसको आसान भाषा में अगर हम कहें तो आसान भाषा में इतना आप कर लो कि बीच वाला क्या हो गया, दैट इज डोमेन हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये टॉप लेवल डोमेन हो गए, ये हमारा सब डोमेन हो गया, ये हमारा प्रोटोकॉल जो यूज हो रहा है। टॉप लेवल डोमेन की कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इसमें जेनेरिक डोमेन, अभी तो ये बहुत पुरानी फोटो है, अभी तो आपके पास में बहुत सारे चेंज भी हो गए होंगे, तो हम कमर्शियल के लिए यूज करते हैं, बट अब कमर्शियल के लिए नहीं, ये हमारा वैसे ही यूज होने लग गया, आप कह लो कि पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है कॉम की, है ना। फिर .edu फॉर एजुकेशन, गवर्नमेंट के लिए, मिलिट्री के लिए, ये सारे डोमेन्स हैं, बट अभी फ्रीली है कि अभी तो ऐसा है कि आप कोई भी डोमेन है जो मतलब टॉप लेवल के अंदर कोई भी रख सकते हो, अपना नाम भी रख सकते हो। देखो अब क्या है, आपके पास में डोमेन नेम हो गया, जैसे कंट्री स्पेसिफिक भी हो गए, ठीक है, तो .in.eu, तो अगर पेपर में आ जाए तो आप लिख देना, वैसे कभी आता नहीं है पेपर में, बट हमें पता होना चाहिए। URL मैं आपको बता चुकी हूँ कि यूनिक पूरा एड्रेस आपकी वेबसाइट का, ठीक है। तो ये अगर मैं पूरा एकदम एड्रेस की बात करूंगी आपकी वेबसाइट के, तो देखो पूरा का पूरा है, ये आपका डोमेन हो गया, डोमेन के बाद में आपकी डायरेक्टरी होगी पीछे। तो अगर मैं पूरा एक पेज ओपन करना चाहती हूँ तो मुझे उसका पूरा पाथ है जो बेसिकली देना होगा। वेबसाइट की बात करेंगे तो वेबसाइट जैसे कि एक बुक है, कलेक्शन ऑफ पेजेस है, वैसे ही वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो बहुत सारे वेब पेजेस आपस में लिंकअप होकर के पूरी फोकस एक वेबसाइट को बना रहे होते हैं, तो वेबसाइट हमें जानकारी दे रही होती है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसकी भी वो होती है। जैसे कि मान लीजिए मुझे अनअकैडमी की वेबसाइट ओपन करनी है, तो मैंने उसकी वेबसाइट ओपन की तो उसमें बहुत सारे पेजेस का कलेक्शन है, वेब पेजेस का, जिसमें अलग अलग मान लीजिए कोर्सेज के बारे में है, कहीं पर आपको रेफरल कोड के बारे में है, कहीं पर आपको एजुकेटर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है जो दे रखी है। तो वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस रिलेटेड कॉन्टेंट, जिसकी भी वो वेबसाइट होगी, मान लो आपने XYZ स्कूल की वेबसाइट ओपन की है, तो उसमें स्कूल के लेकर के अलग अलग पेजेस बना रखे होंगे, तो उसी की एक पूरी वेबसाइट हो जाएगी। अगर आप पहले पेज पर जाएंगे तो उसको होम पेज बोल देंगे। तो बाकी अगर हम बात करेंगे वेबसाइट की, तो कहता है कि रिलेटेड कॉन्टेंट दैट इज आइडेंटिफाइड बाय अ कॉमन डोमेन नेम। तो एक वेबसाइट है, ठीक है, अब उसके अंदर बहुत सारे पेजेस हैं, जैसे एक बुक है तो उसका एक पर्टिकुलर टाइटल होता है ना, जैसे मान लो कोई बुक है, मैंने कहा कि ये बुक है कुछ, मान लो इसका नाम है CS मान लीजिए, है ना, तो ये बुक है, तो उस वो बुक कैसे कहलाएगी, क्योंकि वो काफ़ी सारे पेजेस का कलेक्शन होंगे, तो उसका एक नाम होगा, टाइटल होगा, वैसे ही उसका एक टाइटल है डोमेन, ठीक है। और कहने का मतलब है कि मैं उस डोमेन के थ्रू उस वेबसाइट को ओपन करूंगी, अब मैं जिस पर्पज़ के लिए उस वेबसाइट को बनाया है तो उसका एक एक पेज ओपन करके उस पर्पज़ को पढ़ रही होंगी या देख रही होंगी। अब वेबसाइट के ऊपर क्या होगा, बहुत सारे पिक्चर हो सकती हैं, एनिमेशन हो सकता है, ऑडियो वीडियो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। तो जैसे मान लीजिए अनअकैडमी की वेबसाइट है, तो यहाँ पर ओपन किया आपने तो आप इस पेज पर पहुँचे, यहाँ से दूसरे पेज पर पहुँच सकते हो, है ना। तो देखिए दूसरे पेज पर पहुँचने के लिए हाइपर लिंक्स है जो लगे होते हैं, एक वेबसाइट टू अनदर वेबसाइट तक पहुँचने के लिए। अब वेबसाइट्स की बात कर लेंगे तो इसमें एक स्टैटिक है, इसमें एक डायनामिक है। स्टैटिक से क्या होता है कि स्टैटिक मतलब है कि भाई इसमें लोकल होता है सर्वर, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपने यहाँ से रिक्वेस्ट की, यहाँ से आपके पास में वापस रिस्पांस आ गया, तो ये स्टैटिक है, इसमें कोई भी चेंज है जो नहीं होगा। तो हम स्टैटिक जो भी है उनके लिए, हम स्टैटिक वेबसाइट्स के लिए इसका यूज़ है जो करते हैं जब हमें कोई चेंज नहीं करना होता। आजकल हम डायनामिक का यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मुझे क्रिकेट का स्कोर है, तो वो पल पल क्रिकेट का स्कोर चेंज हो रहा है ना, तो वो डायनामिक हो गई। तो इसका क्या है कि भाई डेटाबेस भी होगा इसके अंदर, इसके अंदर कोई डेटाबेस नहीं होता है, तो जो भी चेंजेस या जो भी चीज़ें होंगी हमारे डेटाबेस में हो रही होंगी, तो हम डेटाबेस में कोई भी चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको रिफ्लेक्ट है जो होने लग जाएगा। तो जितनी बार भी आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे ना, उतनी बार आपको अलग अलग कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमने बहुत बार अपने स्कूल की वेबसाइट ओपन की होगी, तो वहाँ हर बार जिस भी बच्चे का बर्थडे है तो आपको उसके पीछे उसके बलून से भी दिखाई दे रहे होते हैं, और अलग अलग रोज़ अलग अलग बच्चों के बर्थडे दिखाई दे रहे होते हैं कि इसका बर्थडे, तो वो डायनेमिक वेबसाइट के एग्जाम्पल हो गए। तो मान लो स्टैटिक का एग्जाम्पल ये ले सकते हो कि आज इसको ओपन किया, 10-15 दिन बाद भी, अगर 1-2 साल बाद भी उसको ओपन करोगे तो आपको वो वैसे की वैसे दिखाई देगी। तो मतलब कहने का कि अगर हम स्टैटिक वेबसाइट की बात करेंगे तो वो खाली HTML पेजेस के अंदर खाली बनती है, तो वो स्टैटिक होती है, चेंज नहीं हो सकता। अगर आप चेंज कराना चाहते हैं तो जिस बंदे ने आपसे बनाई है तो आप उसके पास वापस जाओगे, उसको कहोगे भाई चेंज कर दे, वही चेंज करेगा कोडिंग के अंदर, तब होगा। लेकिन यहाँ पर एक्सेस आपके पास में आ जाता है, तो आप उस पर अपनी फोटोज या अपना डेटा है जो चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे PHP ASP GSP इनका यूज़ करके इन वेबसाइट्स को बनाया जाता है बेसिकली। तो जैसे अगर आपने PHP, तो अगर आपने फेसबुक ओपन किया होगा तो उसका एक्सटेंशन .php है ना। तो स्टैटिक जो है डिस्प्ले द सेम काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, जब भी यूजर विजिट करेगा सेम काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होगी, लेकिन डायनामिक के अंदर क्या होगा, सेम काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, डेटाबेस में चेंज हो गया तो बिल्कुल वही भी आपको रिफ्लेक्ट है जो होता रहेगा, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, तो वेब पेजेस मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक सिंगल आपका पेज आपकी वेबसाइट का, दैट इज कॉल्ड द वेब पेज, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़े तो फिर से हमारे पास वेबसाइट आ जाती है, लेकिन हम इसको ऑलरेडी स्टडी कर
कर ही चुके हैं. तो वेबसाइट मीन्स इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस. तो वेब पेजेस जो है आपस में हाइपर लिंक हो रखे होते हैं, हाइपर लिंक से लिंकअप हो रखे होते हैं. तो एक वेबसाइट जब आप ओपन करोगे उस पर हाइपर लिंक से आप दूसरे वेब पेज पर है जो पहुंच जाओगे. तो मतलब इट्स लाइक अ बुक. बुक जैसे होती है तो बुक्स पेजेस का कलेक्शन है, वैसे वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस. तो जैसे अगर मैंने CBSE की वेबसाइट ओपन की तो यहाँ पर एक मुझे लिंक है, हाइपर लिंक दिखाई दे रहा है. तो जैसे ही मैं इस लिंक पर क्लिक करूंगी तो आप इस लिंक पर पहुंच जाओगे दूसरी वेबसाइट पर, है ना, या दूसरे वेब पेज पर आप पहुंच जाओगे, है ना. तो वेबसाइट से आपको क्या पता चलता है, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ मैनी वेब पेजेस, बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन है. और बेसिकली हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका यूज़ करके बनाया जाता है. और जो है अगर हम वेब पेजेस की बात करेंगे तो टिम बर्नर-ली हैं जो जिन्होंने पहला वेब पेज है जो बनाया था. करेंगे कहते हैं कि द पेजेस विद इन अ वेबसाइट आर यूजुअली अ मिक्स ऑफ टेक्स्ट एंड अनदर मीडिया. बिल्कुल एक पेज की बात करेंगे तो उस पर मैंने कहा ना आपको एनिमेशन दिखाई देगा, आपको पिक्चर दिखाई देगी, आपको फोटो वोटो, आपको ऑडियो वीडियो, बहुत सारी चीज़ें जो आपको दिखाई देंगी, है ना. तो कहते हैं कि वेबसाइट कैन बी एक्सेस डायरेक्टली बाय एंटरिंग, इसका URL एंटर करके भी आप कर सकते हो, अदरवाइज आप गूगल बिंग पर जा करके अगर सर्च करोगे तो वो भी आपको वेबसाइट्स के काफ़ी रिकमेंड करेगा. अगर मान लीजिए आपने अनअकैडमी लिखा तो अनअकैडमी की वेबसाइट भी आ जाएगी और उससे रिलेटेड और भी जो वेबसाइट्स उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रही होंगी तो वो भी आ जाएंगी. टू मेक योर वेबसाइट अवेलेबल टू एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड. अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको होस्ट कराना पड़ेगा, ठीक है, इसको सर्वर पर जाकर के हमें स्टोर करना पड़ेगा ताकि देश दुनिया है जो इस वेबसाइट को है जो देख सके. तो उसी को हम वेब सर्वर बोलेंगे जहाँ पर हमारी वेबसाइट्स जो है स्टोर हो रखी होगी, है ना. तो जो ये सर्विस प्रोवाइड करती है वो वेब होस्टिंग कहते हैं उसको, है ना. कहता है कि द वेब सर्वर इज ए सेट ऑफ फाइल ट्रांसमिटेड टू यूजर कंप्यूटर्स व्हेन दे स्पेसिफाई द वेबसाइट्स एड्रेस. जैसे कि मान लीजिए मैंने URL एंटर किया अपने वेब ब्राउजर पर, अब सर्वर पर रिक्वेस्ट है जो गई तो सर्वर पर मेरी वेबसाइट जाकर के स्टोर हो रखी है, तो वहां से आएगी रिक्वेस्ट तो मेरे वेब ब्राउजर पर मुझे वो डिस्प्ले हो जाएगा. तो ये कहानी वापरती है, ये कहानी होती है. स्टैटिक डायनेमिक भी मैं आपको बता चुकी हूँ, साथ ही जो कि अभी हम लोग देख चुके हैं, डायनेमिक वेबसाइट को भी मैं अभी देख चुकी हूँ, ठीक है, बाकी इनकी थ्योरी है जो आप इसमें से कर लेना, ठीक है. तो स्टैटिक मतलब जिसमें कोई चेंज नहीं होगा, डायनेमिक मतलब जिसमें चेंज हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको स्कूल का एग्जांपल दे ही दिया था, है ना. तो वेब पेजेस बिल्कुल हमारे पास में हमारे जो है आप कह लीजिए HTML के अंदर बिल्कुल हम इसको डिजाइन करेंगे और हमारी वेबसाइट एक कलेक्शन होगी किसका, वेब पेजेस का. बहुत सारे वेब पेजेस मिलकर के एक वेबसाइट है जिसको बना रहे होंगे. हर एक पर्टिकुलर वेब पेज किसी ना किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन है जो हमें दे रहे होंगे. जैसे कि अगर मैं किसी स्कूल की वेबसाइट ओपन करूं तो वहां मुझे गैलरी ओपन करूंगी तो गैलरी दिखेगी मुझे, होम है तो होम वाली चीज़ें जो दिखाई देंगी, है ना. तो सारे आपस में लिंकअप होते हैं. तो देखो होम पेज इज कॉल्ड द फर्स्ट पेज. जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करोगे तो उसका पहला पेज इज कॉल्ड द होम पेज, है ना. तो अगर वेब पेज और वेबसाइट के बीच में अंतर है तो मेरे को नहीं लगता कि आपको जो है इसमें कोई जो दिक्कत आएगी. अगर फिर भी पढ़ लें तो देखिए क्या है, कहता है कि वेब पेज इज ए सिंगल डॉक्यूमेंट है जिसका एक पर्टिकुलर एड्रेस हो रहा होगा, लेकिन वेबसाइट की बात करेंगे तो ये मल्टीपल वेब पेजेस का एक कलेक्शन होगा जिसका एक पर्टिकुलर डोमेन है जो आपको मिला होगा. अब किसी वेबसाइट को ओपन करने के बाद में आप उसके किसी वेब पेज पर पहुंच पाते हो, है ना. तो उसमें से मैंने क्लिक किया, फिर मैं उसके अंदर पेज पर गई, है ना. तो वेबसाइट और वेब पेज, तो अगर हम इसको फर्दर अगर हम देखें तो कहते हैं कि वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस दैट आर लिंक्ड टुगेदर विद हाइपर लिंक, ठीक है. वेब पेज की बात करेंगे तो एक सिंगल डॉक्यूमेंट हो गया. अब ये कहता है कि इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वेब पेजेस. बिल्कुल इसमें सिंगल वेब पेज की बात हो रही है. वेबसाइट इज एक्सेस थ्रू इट्स डोमेन होगा इसका एक पर्टिकुलर एक हमें एड्रेस मिला होगा. और यहां पर क्या है कि उसका एक पूरा एक्सटेंशन, पूरा एकदम URL एड्रेस होगा एक्सटेंशन के साथ में, ठीक है. कि जैसे हमने एग्जांपल लिया था अपनी CBSE की वेबसाइट का, वेबसाइट ओपन की उसके बाद में मैं उसके लिंक पर अगले पेज पर जा रही हूं, है ना. तो इस तरीके से अब ये कहता है कि इट इज लिटिल चैलेंजिंग टू क्रिएट अ परफेक्ट वेबसाइट. बिल्कुल हमें इसमें कोड वोड है जो करना पड़ेगा, लेकिन वेब पेज तो हम क्रिएट कर सकते हैं. ऐसे ही हम बहुत सारे वेब पेज क्रिएट करके उसको बना देंगे हमारी एक वेबसाइट, है ना. बिल्कुल. तो कह लीजिए कि जैसे एग्जांपल हो गए जावा पॉइंट हो गया, अमेजोन हो गया, अनअकैडमी हो गया, है ना. ऐसे ही हमारे पास में वेब पेजेस है तो उनके अगर फर्दर आगे मैं पेजेस ओपन करूंगी तो वो क्या होंगे, मेरे वेब पेजेस हो गए, ठीक है. वेब होस्टिंग, देखिए वेब होस्टिंग एक सर्विस है अगर आप कहोगे तो. जैसे मैंने कोई एक वेबसाइट बनाई, अब मैं चाहती हूँ कि देश दुनिया के लोग हैं जो उस वेबसाइट को देख पाएं, तो अब मुझे उसको वेब सर्वर पर है जो स्टोर कराना पड़ेगा. अब मुझे सर्वर के लिए क्या करना पड़ेगा, स्पेस है जो खरीदना पड़ेगा. अब ऐसा है कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जो है आपको कुछ टाइम के लिए, जैसे 6 मंथ के लिए, जैसे 1 मंथ के लिए, है ना. तो आप स्पेस है जो ले लो 1 ईयर के लिए, जैसे आपने एग्जाम्पल देखा होगा जस्ट होस्ट का एग्जाम्पल, गो डैडी का, है ना.
जैसे होस्ट पापा है, तो ये सारी की सारी वेब सर्विस कंपनीज हैं. तो ये क्या करती हैं, वेब होस्टिंग इज अ सर्विस दैट अलाउ ऑर्गेनाइजेशन और एन इंडिविजुअल टू पोस्ट अ वेबसाइट और वेब पेज ऑन टू द इंटरनेट. हम इंटरनेट पर यानी कि वेब सर्वर पर अपनी वेबसाइट को जाकर के अपलोड कर देते हैं. अब चाहे किसी को 3 बजे रात को मेरी वेबसाइट ओपन करनी हो, चाहे 2 बजे करनी हो, चाहे 1 बजे करनी हो जाएगा काम, है ना. तो मतलब वो देख सकता है. जैसे मैंने अगर अपने सिस्टम पर अपनी वेबसाइट बना ली, मैं तो उसको खोल के देख सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने अपने सर्वर अपने ही सिस्टम को ही सर्वर बना दिया, तो मुझे मैं उसको शट डाउन नहीं कर सकती. मैंने शट डाउन कर दिया, अब सामने से मान लो मेरी वेबसाइट ओपन कर रहा है बंदा, तो उसको नहीं दिखेगी. तो मैं ऐसे झंझट पालने की बजाय क्या करूँगी, कि मैं जो है ऐसी कंपनीज के पास जाऊँगी तो जो मुझे स्पेस प्रोवाइड करा रही होंगी 6 महीने का, 1 महीने का, तो तब तक मुझे उनको पैसे पे करने होंगे और मैं अपनी वेबसाइट वहां पर अपलोड है जो कर दूंगी. अब जिसको रात को 3 बजे उठ के देखना है, 2 बजे उठ के देखना है, 1 बजे उठ के देखना है, वेबसाइट वो ओपन करेगा और जो भी इन्फॉर्मेशन गेट करनी होगी कर लेगा. वेब होस्ट और वेब होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइडर इज अ बिजनेस दैट प्रोवाइड द टेक्नोलॉजीज एंड सर्विसेज नीडेड टू द वेबसाइट और वेब पेजेस. बिल्कुल ये चीज मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है. तो ये वाली बात है जो हो गई. तो वेब ब्राउज़र क्या हो गया, वेब ब्राउज़र तो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हो गए, ठीक है. जैसे गूगल क्रोम हो गया, मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, यूसी ब्राउज़र हो गया. तो ये सारे के सारे वेब ब्राउज़र हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं. अब ऐसा है कि तुम्हें इंटरनेट यूज़ करना, तो हाथ पर तो यूज़ करोगे नहीं. फॉर दैट वॉट यू नीड अ सॉफ्टवेयर, है ना. तो मैंने जैसे सिस्टम को ओपन किया, तो मुझे ब्राउज़र की ज़रूरत है जिसके अंदर जा करके मैं अपने जो है जो भी वेबसाइट है उसको ओपन करना चाहती हूँ, या जो भी काम मैं करना चाहती हूँ इंटरनेट पर, तो मुझे ब्राउज़र है जो इंस्टॉल करना पड़ेगा. सो इट्स हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है. वेब सर्वर मैं आपको बता चुकी हूँ. वेब सर्वर वेबसाइट कंटेंट वेबसाइट्स कंटेंट इज स्टोर्ड एंड डिलीवर्ड विद द हेल्प ऑफ वेब सर्वर. तो वेब सर्वर एक तरीके से एक ऐसा खेत है जहाँ पर खेत के अंदर अलग अलग मान लो घर बने हुए हैं, है ना. वैसे ही उस खेत के अंदर उस वेब सर्वर पर अलग अलग वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जाकर के स्टोर हो रखी हैं. अब मैं क्या करूँगी, मैं अपने कंप्यूटर को ओपन करूँगी. कंप्यूटर में मैंने अपना वेब ब्राउज़र ओपन किया, यहाँ से मैंने रिक्वेस्ट की, वो सर्वर पर गई, सर्वर से वो वेबसाइट आपकी ओपन होकर के आपके ब्राउज़र पर आपको डिस्प्ले हो रही है. तो मैंने अगर वेबसाइट बनाई तो मैं देश दुनिया को दिखाना चाहती हूँ, तो मैं वेब होस्टिंग कंपनीज़ के पास जाऊँगी, तो उनके थ्रू मैं जो है स्पेस ऑफकोर्स परचेज करूंगी, तो मेरा वेब सर्वर पर जाकर के मेरी वेबसाइट अपलोड हो जाएगी. अब देश दुनिया उसको देख सकती है. तो चीजें समझ में आई, राइट. व्हेनेवर अ यूजर क्लिक ऑन अ लिंक और स्टार्ट्स अ डाउनलोड, तो ये सारी चीजें किसके थ्रू हो रही होती है, डाउनलोडिंग या जो भी हमारा डेटा स्टोर होता है वो सर्वर पर होता है, तो वहां से हमारे पास डेटा है जो फ्लो होकर के आ रहा होता है, ठीक है. तो ये चीज मैंने आपको समझा भी दी है, ठीक है. हम रिक्वेस्ट करते हैं, एक सेकेंड रुकिए. हमने रिक्वेस्ट की, हमारे पास वापस से रिक्वेस्ट आ रही है. मैं आपको डोमेन नेम और ये सारी चीज़ें बता ही चुकी हूँ, ठीक है. ये सारी चीज़ें हमारी हो ही चुकी हैं, तो ये हेल्पिंग नोट्स आप लोगों के हो गए, ठीक है. तो अब हम चलते हैं और अलविदा लेते हैं आप लोगों से. आई होप आप लोगों को ये पूरी यूनिट मैंने करा दी है, ठीक है. अगर इसमें से आपको लगता है कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं तो वो आप मुझे बता दीजिएगा, हम लोग एग्ज़ाम से पहले कर लेंगे. और चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर. बट उससे पहले एक बार थोड़ा सा वेट करिए, और इसमें मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ. अपनी अब हम अपनी वेबसाइट ओपन करते हैं, कौन सी अनअकैडमी की, उसके ऊपर मैं चलो अपने जो है प्रोफाइल पर आपको लेकर के चलती हूँ. तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, ओके. अनअकैडमी की वेबसाइट पर, तो ये मैंने जो पेज खोला है, दिस इज़ वेब पेज, और ये जो वेब पेज है ये क्या है, हमारी प्रोफाइल का वेब पेज है, ठीक है. तो इस पर देखिए, देखो सारी चीज़ें लिंक हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ओके. तो इस पर देखिए ये लिंक बना हुआ है, दिस इज़ हाइपर लिंक, है ना. तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आप इस क्लास पर पहुँच जाओगे, और फिर एक नया वेब पेज है जो ओपन हो जाएगा. तो यस, यहाँ पर काफ़ी सारी क्लासेस, बहुत सारी चीज़ें जो आपको दिखाई दे रही हैं. तो यहाँ पर जो मेन चीज़ आपको बतानी है वो ये वाला एरिया, कि गाइस 9:45 पर आज हमारी फ्री क्लास है, तो जरूर आना क्लास के अंदर. तो जैसे आपने हमारी इस वेबसाइट को, अनअकैडमी की वेबसाइट को, हमारे वेब पेज को इसको ओपन किया, तो आपको यहाँ पर एक लिंक दिखाई देगा जो कि होगा फॉलो वाला लिंक. तो आपको उस पर क्लिक करके फॉलो करना है, ठीक है, ओके. अब देखिए, जाते जाते आपको ये भी चीज़ बता दें कि ये देखिए, अगर आप फ्री क्लास में आते हैं तो आपको ये कोड एंटर करना होगा, बट अगर आप पहली बार आते हैं तो. और दूसरी चीज़ है कि ये कोड मैं आपको इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि आपके पास में देखिए बहुत सारे बैचेस हैं जो अभी हाल फिलहाल में एक तरीके से शुरू होने वाले हैं,
तो यस, आपके पास में देखिए 48% तक डिस्काउंट भी है जो आपको चल रहा है, तो आप डेफिनेटली है जो सब्सक्रिप्शन है जो बिल्कुल ले सकते हैं। और देखिए आप लोगों की क्लास 11th और 12th की तैयारी कितनी ज़बरदस्त तरीके से है जो हो जाएगी। तो अब मैं आपको इस एज पर लेकर के आ चुकी हूँ। तो देखिए PCM वाले स्टूडेंट्स हैं क्लास ट्वेल्थ, तो यस आप एक पर्टिकुलर अगर आपको PCB PCM या कॉमर्स की प्रिपरेशन भी आप स्टार्ट कर रहे हो या फिर इंग्लिश की भी है ना, तो आप यहाँ पर आ सकते हो। एंड ऊपर चलते हैं तो देखिए आपको यहाँ पर 48% तक डिस्काउंट जो कि के साथ देखिए 3 मंथ और ये सारी चीजें है ना, तो आप इसमें मेरा कोड यूज कर लो जो कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, विच इज LA Live। ठीक है, तो ये सारी कहानी ये सारी घटना हुई। एंड चलिए फिर आपको देखते हैं स्पेशल क्लासेस में। एंड ऑफ कोर्स नए बैचेस के साथ प्लस के अंदर भी आप है जो जुड़ेंगे। तो चलिए फिर बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।